ये चीजें समझना बहुत जरूरी है कि सर कब कौन सा टैक्स लग रहा है और कैसे क्रेडिट मिल रहा है क्योंकि वही नेक्स्ट लेवल पे आपको लेके जाएगा देखिए सर हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था क्या अगर आप मैन्युफैक्चरर हो कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करते हो तो एक्साइज ड्यूटी लगती है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी विच इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर सेल ऑफ गुड्स पर सर सेल्स टैक्स लगता है सर स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू होता है वेट और इंटरस्टेट सेल करने पे लगता है इज़ द रेवेन्यू ऑफ़ सेंट्रल गवर्नमेंट अगेन क्लियर सर्विसेज़ अगर आपने सप्लाई करी जैसे आपने टेलीकॉम सर्विसेज़ दी सर आपने कोचिंग सर्विसेज़ प्रोवाइड करी कोई भी सर्विस आप प्रोवाइड कर रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट क्लियर ओके तो सर अगर हम मोटा मोटी बात करें तो एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस टैक्स इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट वेट इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट सीएसटी को थोड़ा छोड़िए भी इग्नोर करो सर ओके सर ये मेन मेन टैक्सेस है ओके अब सरकार आपने और हमने पढ़ा था क्या आखिर दस का क्रेडिट क्यों मिला सर हमने सिस्टम पढ़ा था क्या मल्टीपल टैक्सेशन क्या होता है क्या इफेक्ट क्या होता है सर वैल्यूडेशन पे टैक्स क्या होता है सर आखिर आया क्रेडिट और उसके बाद आया क्या वेट हमने कल पढ़ा था क्या आखिर दस का क्रेडिट क्यों मिला शायद आपको पूरा फिट हो गया सर दिमाग में आपको समझ में आ गया कि दस का क्रेडिट क्यों मिला क्योंकि टैक्स लग रहा है पूरे वन फोर्टी लग रहा है विच इंक्लूड्स हंड्रेड पूरे वन फोर्टी लग रहा है 100, और वापस से पूरे 140 इंक्लूडिंग 100 पे टैक्स लग रहा है so लायबिलिटी पे करने के लिए आपने 4.4 का वेट क्रेडिट लिया अब क्वेश्चन आता है क्या 4.4 का वेट क्रेडिट क्यों मिला सर सेम फंडामेंटल क्योंकि टैक्स लग रहा है पूरे 150 फिफ्टी पर व्हिच इंक्लूड्स वेट और वापस से पूरे वन फिफ्टी फोर इंक्लूडिंग हंड्रेड एंड टेन पे वेट लग रहा है सो डू अवॉइड द मल्टीपल टेक्सेशन एंड कैसकिंग इफेक्ट फोर पॉइंट फोर का वेट क्रेडिट मिला मतलब फंडामेंटल एप्सोल्यूटली सेम और हमने ये भी बात करी थी क्या सर आपने सेंट्रल क्रेड जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स है सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया तो क्रेडिट भी सेंट्रल गवर्नमेंट ही देगा स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स वेट है वेट अपने स्टेट गवर्नमेंट को पे किया तो उसका क्रेडिट भी स्टेट गवर्नमेंट देगा सेंवेट वेट में काम नहीं आ सकता वेट सेंट में काम नहीं आ सकता सरकार फिर हमने बात करी थी क्या सर अगर आपकी सेल पर अगर आपकी सेल पर अगर आपकी सेल पर एक्साइज की लाइब्रेटी आती है वेट की लाइब्रिटी नहीं आती तो सैनविड क्रेडिट मिलेगा पर वेट क्रेडिट नहीं मिलेगा आपकी सेल पर वेट की लाइब्रिटी आती है एक्साइज की लाइब्रिटी नहीं आती है मान लो आपके आउटपुट पर एक्साइज हाँ एग्जाम ना भाई सर इफ ओनली वेट इज लेवेड बट एक्साइज इज नॉट नॉ तो वेट का क्रेडिट मिलेगा क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर केवल लगता है तो वेट वेट नहीं लगता है तो सर सैन्य क्रेडिट मिलेगा वेट का क्रेडिट नहीं मिलेगा दोनों लगते हैं दोनों क्रेडिट मिलेगा सर दोनों में से कुछ भी नहीं लगता तो कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा हा है ना भाई ये हमने कल बात करी थी आइए नेक्स्ट लेवल पर चलते सरकार ध्यान देना बेटा सर अब नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है शायद मैंने कनेक्ट कर दिया कल जो आपने पढ़ा था बेटा कि आखिर दस का क्रेडिट क्यों मिला कैसे मिल रहा है अब मेरे मालिक एक बहुत ही मस्त एक बहुत ही शानदार बहुत ही सुंदर बात आती है, कि सर, देखो सर मैंने आपको बताया था सर्विस टैक्स लगता है सप्लाई करने में देखो बट तक जीएसटी नहीं आया अभी हम सिस्टम समझ रहे पूरा सिस्टम समझ में आया ना फंडामेंटल इतना स्ट्रॉग होगा आपका कि माहौल बनेगा आगे चैप्टर पढ़ते वक्त सरकार आपने सर्विसेज सप्लाई करी बिफोर जीएसटी की बात हूं बच्चों आपसे प्री जीएसटी अगर आपने सर्विसेज सप्लाई करी के सप्लाई करने में क्या लगेगा बेटा सर्विस टैक्स लगेगा विच इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सर सेल ऑफ गुड्स पर वेट लगता है वेट इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट अभी सीएसटी को इग्नोर करो सर आप <coughs>

थाम के सुनेगा सर पता है अगर आपने आई रिपीट अगर आपने सर्विसेज सप्लाई करी तो सर्विसेज पर टैक्स की लायबिटी आएगी नाम क्या होगा सर्विस टैक्स ओ भाई हाँ नहीं नहीं हमारे पीछे से कोई हमको वार नहीं कर रहा सर सुनना बात ध्यान से सर्विसेज सप्लाई करने में क्या लगता है बेटा सर्विस टैक्स सर्विस टैक्स इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट

लैपटॉप परचेज किया आईपैड परचेज किया कैमरा परचेज किया इनके परचेज पे मैंने एक्साइज ड्यूटी पे किया एक्साइज ड्यूटी जो मैंने परचेज पे पे किया वो किसको पे किया होगा बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट को मतलब पे तो सप्लायर किया होगा पर उसने अल्टीमेटली किसको पे किया होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को सो so, मैंने परचेज ऑफ इनपुट परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स एक्साइज पे किया एक्साइज किसको गया सेंट्रल गवर्नमेंट को अब जब मैं सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा आउटपुट क्या है सर्विसेज़। सप्लाई करूंगा क्या लगेगा सर्विस को सिंपल क्वेश्चन सर्विसेज सप्लाई करने पे लग रहा है सर्विस टैक्स विच इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट मेरे को सर्विस टैक्स देना है सेंट्रल गवर्नमेंट को पर ये सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए मैंने कुछ इनपुट परचेज किए कुछ कैपिटल गुड्स परचेज किए इन पे मैंने एक्साइज ड्यूटी पे किया और वो भी किसको पे किया था सर अल्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया था एक्साइज ड्यूटी बेटा क्लियर क्वेश्चन आता है क्या सर जब मैं अपने आउटपुट पर सर्विस टैक्स पे कर रहा हूं इनपुट पे मैंने एक्साइज पे किया साहब दोनों सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है सर अब आप मुझे बताओ क्रेडिट मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए दिल क्या कहता है बेटा सर जी हाँ जी हां जब का दिल कह रहा है वो दिल बिल्कुल सही कह रहा है और यस गवर्नमेंट ने बोला क्या कोई चिंता मत करो अगर आपने परचेज ऑफ इनपुट्स परचेज ऑफ कैपिटल गुड्स कैपिटल गुड्स मतलब मशीन वगैरह इनके परचेज करने पे आपने एक्साइज पे किया हुआ है और आपकी सेल पर सर्विस टैक्स लगता है आप सर्विस सप्लायर हो कोई चिंता वाली बात नहीं है परचेज पे जो आपने एक्साइज पे किया उसका सैनविड क्रेडिट मिलेगा और वो सैनविड क्रेडिट आप यूज कर सकते हो आपकी सर्विस टैक्स की लाइबिलिटी को पे करने के लिए क्लियर सो आई रिपीट सर्विस टैक्स हो या एक्साइज हो दोनों को क्या मिलता है सेंवर्ड क्रेडिट क्योंकि दोनों ही क्या है सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस है सर मेरी तरफ ध्यान देना बेटा मजा आएगा माहौल बनेगा सरकार वापस बोलता बेटा मैं पॉइंट सर इफ यू आर अ सर्विस सप्लायर सर्विस सप्लाई करने में क्या लग रहा है बेटा सर्विस टैक्स और सर अगर आपने परचेस पे एक्साइज पे किया वो भी किसको पे किया सर you have paid the excise duty to whom central government so central government will allow the sendwit credit of central excise duty to pay the liability of service tax matlab ye ho gaya mere malik सिंपल सा ये सिस्टम हो गया कि आपने इनपुट परचेज की होंगे देखो आज मैं सर्विस सप्लायर हूं मैंने सर्विसेज अपलाई करने के लिए किसी से मार्केटिंग सर्विसेज ली अकाउंटिंग सर्विसेज ली ऑडिटिंग सर्विसेज ली कंसल्टेंसी सर्विसेज ली ये जो मैंने इनपुट सर्विसेज ली देखो सर्विसेज अगर परचेस कर उसको बोलते हैं इनपुट सर्विस कुछ मशीन वगैरह परचेस कर रहा हूं उसको बोलते हैं कैपिटल गुड्स रो वगैरह रनिंग अकाउंट के खर्चे जो होते हैं बेटा सर डे टू डे खर्चे जो रनिंग वाले अकाउंट खर्च होते हैं जैसे रो मटेरियल वगैरह हो गया ये होते हैं इनपुट्स तो मैंने इनपुट परचेज किया हो कैपिटल गुड्स परचेस किया हो या इनपुट सर्विस परचेज किया हो इनके या सर्विस टैक्स पे किया हो सर्विस टैक्स सर्विस किया होगा तो एक्साइज पे किया होगा तो हो सर हो, तो हो दोनों का सर मेरे को क्या मिलने वाला, है? Rate, मिलने वाला है अब मेरी सेल पर सिंस मैं हूं मेरे मालिक सर्विसेज पर लाइबी आती है किसकी सर्विस टैक्स की सर्विस टैक्स की लाइब्रेडी आती है उस सर्विस टैक्स की लाइब्रेडी को पे करने के लिए सर मैंने परचेज पे एक्साइज और सर्विस टैक्स जो पे किया था उन दोनों का क्रेडिट में लेके यूज कर सकता हूं और मेरी लाइब्रेडी सर्विस टैक्स की पे कर दूंगा आफ्टर यूजिंग द क्रेडिट अवेलेबल मी तो मैं और सिंप्लीफाइड वे में बताता हूं आपको कि आपने सर्विसेस करी होगी तो आप सर्विस सप्लायर हो मैं अगर मैन्युफैक्चरर हूं तो गुड्स मैंने मैन्युफैक्चर करके बेचा होगा बेटा सर अब गुड्स मैन्युफैक्चर करके जब मैं बेचता हूं तो सर उस पर लगता है एक्साइज ड्यूटी उस पर लगेगा सर अगर सर्विस सप्लायर हो लगेगा क्या सर्विस टैक्स अब मेरे आउटपुट गुड्स हो या आउटपुट सर्विस हो एक्साइज की लाइब्रेटी हो या सर्विस टैक्स की लाइब्रेटी हो सर मेरे को पे किसको करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को पे करना है अब मैंने परचेज पर एक्साइज ड्यूटी पे किया हो या परचेज ऑफ सर्विसेज पर सर्विस टैक्स पे किया हो कोई फर्क नहीं पड़ता सिंस दोनों टैक्स किसकी रेवेन्यू है सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यू इसलिए मैंने इनपुट परचेज किया हो इनपुट सर्विस परचेज किया हो या कैपिटल गुड्स परचेस किया हो इन सब के परचेज पे मैंने एक्साइज ड्यूटी या सर्विस टैक्स जो भी पे किया इन दोनों को एक ही अकाउंट में डालने का नाम क्या होगा क्रेडिट अकाउंट क्या नाम होगा बेटा क्रेडिट अकाउंट में इन दोनों को डाल देने का भूल जाने का कि परचेस पे पे एक्साइज किया या सर्विस टैक्स पे किया दोनों ही फंड आ गया परचेस पे पे जो टैक्स किया वो आ गया कहां पर क्रेडिट अकाउंट में आ गया अब मेरी लाइबिलिटी अगर मैन्युफैक्चरर होंगे तो एक्साइज की लाइबिलिटी आएगी सर्विस सप्लायर होगा तो सर्विस टैक्स की लाइबिलिटी आएगी अब मेरी लाइबिलिटी सर्विस टैक्स की हो या एक्साइज की हो सर मेरे को वो क्रेडिट जो अकाउंट में पैसा पड़ा है वो मैं यूज कर लूंगा वो यूज मेरे आ जाएगा मेरी लायबिलिटी को पे करने के मैं वो लायबिलिटी भले सर्विस टैक्स की हो या एक्सरसाइज की हो उस लायबिलिटी को पे करने के लिए यूज करूंगा और बैलेंस अमाउंट में गवर्नमेंट को पे कर दूंगा भारत माता की जय मतलब मैंने आपको ये समझाया है ये सिखाया है कि सर्विस टैक्स हो या एक्सरसाइज हो ये केवल दो नाम अलग-अलग है बाकी चीज

सेल ऑफ गुड्स वेट लगता है अब वेट जो लगता है बेटा इट इज रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट आपने परचेज पे अगर वेट पे किया होगा तो वेट का क्रेडिट वेट के लिए काम आ जाएगा पर सर्विस टैक्स और एक्साइज दोनों आपने पे किया है किसको सेंट्रल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट आपको क्रेडिट देगी सेंट्रल सेंड क्रेडिट देगी वो वेट में कभी भी काम नहीं आएगा ठीक है डन अच्छा एक बात और लास्ट बता देता मैं आपको अगर आपने परचेज ऑफ गुड्स पर इंटरस्टेट गुड्स परचेज किया है, मतलब मैं हूं महाराष्ट्र में मैंने गुड्स परचेज किया कहा से गुजरात से उस पर सीएसटी लगता था सेंट्रल सेल्स टैक्स सीएसटी और खास बात परचेज में जो सीएसटी पे किया उसका एक रुपए का भी कोई क्रेडिट नहीं मिलता था ना सेंडवेड क्रेडिट मिलता है न ही उसका वेड क्रेडिट मिलता है वो हमेशा कॉस्ट का पार्ट ही बनता था जी हाँ ये भी इंटरसेट परचेज करने पे एक हेड थी पुराने लोज के अंदर यह लकुना था ये डिफिकल्टी थी ये सर एक तरह से हमारा दुश्मन था सीएसटी जिसका हमको कोई क्रेडिट नहीं मिलता था ये हमारा एक तरह से था था बेटा बेटा। मतलब इंटरेस्टेड परचेज करने सीएसटी पे, पे किया थ्रू स्टेट गवर्नमेंट पर कोई क्रेडिट नहीं मिलता ना स्टेट गवर्नमेंट क्रेडिट देती इसका ना सेंट्रल गवर्नमेंट देती इसका इसलिए इसको इग्नोर करो भैया के लिए ओके डन तो सरकार वापस सुनना बात को मेरी मैं एक काम करता हूं ऐसे लिखता हूं आपको मजा आएगा सर ये पॉइंट पूरा पक्के से आपको फिट हो जाएगा माइंड के अंदर कि मैंने क्या बोला ये लो साहब एक फाइनल आपके लिए दस का ग्रेड क्यों मिला उसकी एक फाइनल रूपरेखा आपके सामने रख रहा हूं सर अच्छा आप भी सोचते होंगे कि ओ मंगल कितनी बार सर सर बीच में बोल देता है अरे सर मीन्स रेस्पेक्ट सर जब तक जो स्टूडेंट्स हैं वो आप जो पढ़ाई करो ना उस पढ़ाई को आपको रेस्पेक्ट देना चाहिए सर तो मैं जो मेरा जो प्रोफेशन है ये जो पढ़ाना टीचिंग मेरा पैशन है इसको मैं रेस्पेक्ट देता हूं और मेरे लिए सर आप जो स्टूडेंट्स हो वो बहुत तो रेस्पेक्टफुल हो इसलिए मेरे दिल से सर निकलता है बार बार तो बच्चों मेरे लिए आप भी सर हो सर क्योंकि कई सारी चीजें आप मुझे सिखाते हो तो माहौल के साथ देखते हैं हम सर ये देखिए सर वापस निकला बार तो ऑटोमेटिक निकलता है सर सर ये देखो सर मालिक माहौल तो एक वर्ड तो कुछ है ना पंच वाला है तो ऑटोमेटिक निकलता है ये ओके 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 और भी आपको लगता है कि सर ये नहीं ये वाला वर्ड यूज करना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए सर मैं आपके लिए सोचता हूं वो वर्ड मैं फिट करने की कोशिश करता हूं ओके okay, सर अगर आई एम अ मैन्युफैक्चरर या आई एम अ सर्विस सप्लायर समझना बात ध्यान से मैं एक मैन्युफैक्चर चलो आप अब इस पे मैं लिख रहा हूं क्या एक्साइज ड्यूटी सर्विस टैक्स प्लस वेट ये तीनों साथ में लेके आपको एक एग्जांपल फाइनल लिख देता हूँ ये फाइनल आपको समझ में आ जाएगा सर मैंने इनपुट परचेज किया इनपुट सर्विस परचेज किया या कैपिटल गुड्स परचेज किया इसके परचे ये परचेज किया कितने में हंड्रेड में इस पे इसके परचेज करने पर मैंने एक्साइज ड्यूटी पे किया होगा या सर्विस टैक्स पे किया होगा सपोज टेन परसेंट वॉज द टैक्स टेन रुपी कितना हो गया बेटा हंड्रेड एंड टेन मैंने इसके परचेज करने में वेट पे किया होगा अगर गुड्स होगा तो देखो सर्विसेज होगी तो मैंने वेट पे ही नहीं किया होगा सर्विसेज पे सर्विस टैक्स ही लगता है वेट लगता है इनका बेटा तो मैं मान रहा हूँ इनपुट और इनपुट इनपुट और कैपिटल गुड्स पे कैपिट एक्साइज में मैंने वेट पे किया होगा फोर पॉइंट फोर सपोज ये बेटा क्लियर मेरे सेल पर एक्साइज भी लगता है मेरे सेल पर वेट भी लगता है तो मैंने क्या किया बेटा एक्साइज हो या सर्विस टैक्स हो परचेज पे एक्साइज पे किया या सर्विस टैक्स पे किया कोई दिमाग नहीं लगाया डायट मैंने क्या कर दिया कितने का मालिक टेन का तो मेरी आ, सर प्लस जो वेट पे किया उसका मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर लिया वेट का कितने का बेटा फोर पॉइंट फोर का तो अल्टीमेटली मेरी कोस्ट कितनी होगी कि बच्चों वही एग्जाम्पल है बेटा सेम क्लियर इसमें बस सर्विस टैक्स और एड कर दिया मैंने कॉस्ट हो गई हंड्रेड एडिशन मैंने किया कितना बेटा अब तो आपको याद हो गए फिगर सर, सर जल्दी बोलो फोर्टी टोटल कितना हो गया वन फोर्टी ये मेरा आउटपुट गुड्स या आउटपुट सर्विस बन गया कितने का 140 का सर आउटपुट गुड्स होगा तो आएगी सर्विस होगी तो सर्विस टैक्स तो वेट लगेगा देखो पे नहीं लगता बेटा मान लो रेट ऑफ टैक्स कितना फोर परसेंट होता है कितना सिक्स .16. सेल का इनवॉइस बन जाएगा एंड सर इनडायरेक्ट टैक्स है

वेट यूज किया किया और 1.76 पे किया भारत माता की जय क्लियर डन अब सर आपने अगर नोट किया हो तो सर मैंने यहां पे क्या लिखा एक्साइज हो या सर्विस टैक्स हो सर इसकी लाइवी पे करने के लिए मैंने सैनविड यूज किया और किसका यूज किया बेटा एक्साइज या सर्विस टैक्स किसका भी मतलब one one रखने की जरूरत नहीं पर वेट, का वेट में काम आएगा सैनविड का क्रेट? वेट में काम नहीं आएगा ओके डन सर फंडामेंटल शायद पूरा समझ में आ गया आपको अब मैं नेक्स्ट स्टेप पे आपको लेके जा रहा हूं दिल थाम के सुनेगा सर एक बड़ा ही सर शानदार वाला डिस्कशन में आपके साथ करने वाला हूं अच्छा ये डिस्कशन करने वाला हूं मतलब मैं चाहता हूं आप इन्वॉल्व हो बात के अंदर और मजे से बात करें हम <coughs> सर मालिक आप मुझे बताओ कि यार अगर मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं

हम एक मोटा मोटी तीन सेक्टर की बात कर रहे हैं एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक ट्रेडिंग सेक्टर और एक सर्विस सेक्टर यहां पे पुराने लोज में क्या तकलीफ थी जिसकी वजह से इंडिपेंडेंट इंडिया का इतना बड़ा इकोनॉमिक रिफॉर्म करना पड़ा

सिंस उसकी वेट की, की भी आ रही है इसलिए होगा और, और उसने अगर कंसल्टेंसी मार्केटिंग एक्सेट्रा सर्विसेज ली है उसमें सर्विस टैक्स पे किया उसका भी क्रेडिट उसको मिल जाएगा कोई तकलीफ नहीं है पर अगर आप एक सोच के देखिए अगर आप एक सर्विस सप्लायर हो बेटा दुख समझना दिल समझना सर मजा आएगा सर्विस सप्लाई में बिफोर जीएसटी की बात कर रहा हूं अगर मैं सर्विस कर रहा हूं मेरी सर्विस सर्विस टैक्स सर सर्विस टैक्स के साथ में वेट नहीं लगता आपको बताया मैं सेल ऑफ गुड्स नहीं कर रहा मैं केवल सर्विस कर रहा हूं सर्विस सप्लाई करने में केवल सर्विस टैक्स लगता है आप सोचिए मैंने सर्विस प्रोवाइड करने के लिए आपसे सर्विस ली कंसल्टेंसी मार्केटिंग एक्सेट्रा उस उसमे सर्विस टैक्स पे किया सेंडविडकेट मिल जाएगा मैंने कोई मशीन परचेज की लैपटॉप परचेस किया आईपैड परचेज किया कैमरा एडसेट्रा बहुत सारी गुड्स वगैरह परचेज करी उनके परचेज पे पर एक्साइज पे किया एक्साइज का सेंडविडकेट मिल जाएगा पर सर जो मैंने वेट पे किया हुआ है जो मैंने वेट पे किया हुआ है सर सिंस मेरी सेल पर केवल सर्विस टैक्स लग रहा वेट लग, लग ही नहीं, नहीं रहा इसलिए जो मैंने वेट पे किया उसका एक रुपए का भी मेरे को क्रेडिट नहीं मिलता और जब मेरे को क्रेडिट नहीं मिलता तो वो मेरी परचेज कॉस्ट का पार्ट बन जाएगा और अल्टीमेटली सर मेरी कॉस्टिंग बढ़ रही थी बेटा मतलब मैं एंड कंज्यूमर नहीं हूं फिर भी सिंस आई एम अ सर्विस सप्लायर मेरी सर्विसेज पर वेट नहीं लगता तो मेरे को वेट का एक रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिल रहा वो मेरी कॉस्ट का पार्ट बन रहा अब सर ये दुख था सर्विस प्रोवाइडर्स को और देखिए अगर मैं एक ट्रेडर हूं बेटा मेरा शोरूम है मैं ट्रेडिंग करता हूं गुड्स की मैं मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता सर अगर मैं केवल ट्रेडर हूं मैं अगर मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा मैं गुड्स खरीद के बेचता हूं मेरी दुकान है मेरा शोरूम है मेरा आउटलेट है मेरी मेरा वेयर हाउस है गोडाउन है से मैं गुड्स बेचता हूं केवल मैन्युफैक्चरिंग नहीं करता बेटा मैं तो ऐसे केस में सर जब मैं गुड्स बेचूंगा तब केवल वेट लगेगा सेल्स लगेगा सेल टैक्स सर मेरे सेल पर कोई नहीं लगेगा कोई सर्विस टैक्स नहीं लगेगा आप सोचिए मैं एक ट्रेडर हूं मेरा शोरूम है मेरी दुकान है मेरा एसी का शोरूम है मेरे मोबाइल की दुकान है सर क्या करता हूं बेटा मैं जब मैंने वो एसी परचेज किया होगा मैनुफेक्चर से उस पर एक्साइज पे किया होगा उस पर वेट भी पे किया होगा हाँ जी हाँ जो वेट पे किया होगा उसका तो मेरे को क्रेडिट मिल जाएगा कोई तकलीफ नहीं पर जो मैंने एक्साइज पे किया सिंस मेरी सेल पर केवल वेट लग रहा है और आपको है अगर सेल पे केवल वेट लगता तो सर वेट का क्रेडिट मिलेगा एक्साइज का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा अब सोचिए आप शोरूम वाले ने सर जितनी भी गुड्स खरीदी होगी वो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर तो हुई होगी सर और जहां मैन्युफैक्चर हुई हो होगी वहां एक्सरसाइज तो डेफिनेट लगा होगा सर उस एक्सरसाइज का एक रुपए का भी क्रेडिट ट्रेडिंग करने वालों को नहीं मिलता था वो पूरा पूरा उनकी कॉस्ट का पार्ट बनता था अल्टीमेटली उनकी कॉस्टिंग बढ़ जाती थी क्योंकि उनकी नहीं मिलेगा। सोचे, मैं शोरूम वाला हूं मैंने आपसे मार्केटिंग कराई एडवर्टीजमेंट सर्विसेज ली सर मैंने पेपर में एड दिया मैंने टीवी में एड दिया सर कई सारी सर्विसेज मैंने आपसे सर्विस कंसल्टेंसी मार्केटिंग अकाउंटिंग ऑडिटिंग ब्ला 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 सर्विसेज उन सब सर्विसेज पे आपने क्या लगाया होगा सर्विस टैक्स क्या लगाया होगा सर्विस टैक्स अब मैंने सर्विसेज पर सर्विस टैक्स पे किया पर मैं शोरूम वाला हूं मैं ट्रेडर हूं बेटा सर ट्रेडिंग करने में क्या लगता है बेटा केवल केवल और केवल और वेट लगता है इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और सर वेट की लाइब्रेरी को पे करने के लिए सेलवर कभी नहीं मिलता क्योंकि मेरी सेल पर केवल वेट लगता है एक्साइज या सर्विस टैक्स नहीं लगता इसलिए सोचिए <coughs> जब सर्विस टैक्स था जब जीएसटी नहीं था सर सर्विसेस पे पता है सर्विस टैक्स कितना था द रेट ऑफ सर्विस टैक्स एक लाख की सर्विस ली अगर मैंने पंद्रह हजार रुपए उस पर था सर्विस टैक्स एक रुपए का भी क्रेडिट इस ट्रेडिंग वाले को नहीं मिलता था इस ट्रेडर को एक रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिल रहा है सर पूरा पूरा उसकी कॉस्ट का पार्ट बनता था उसको लगता था क्या मैंने सर्विसेज परचेस करी एक लाख की नहीं एक लाख पंद्रह हजार की परचेस करी क्योंकि उसका एक रुपए का भी क्रेडिट उसको नहीं मिलने वाला कितना दिल दुखेगा कि परचेस पे टैक्स पे कर रहा हूं फिर भी क्रेडिट नहीं मिल रहा हा है ना ये दुख था किसको ट्रेडर को और सुनिए बात को ध्यान से तो मतलब ट्रेडर को ना तो एक्साइज का क्रेडिट मिल रहा नहीं सर्विस टैक्स का क्रेडिट मिल रहा उसको वेट का क्रेडिट मिल रहा क्लियर अब सर <coughs> मैन्युफैक्चरर को तकलीफ नहीं थी ज्यादा सर ज्यादा तकलीफ नहीं थी मैनुफेक्चर को क्योंकि उसने परचेज पर एक्साइज पे किया हो सर्विस टैक्स पे किया हो या वेट पे किया हो सेल पर लाइफ भी वेट किया रही है प्लस एक्साइज किया रही तो उसको भी सारा मिल रहा है वेट भी सारा मिल रहा है अच्छा अब सर्विस प्रोवाइड का दुख एक और समझना बेटा सर सर्विस सेक्टर वाले लोग सर्विस प्रोडक्ट ने भी क्या लग रहा है सर सर्विस टैक्स लग रहा है उन्होंने सर मैं ये कोचिंग पढ़ाने वाला पर्सन मैंने आईपैड परचेज किया लैपटॉप परचेस किया कैमरा परचेज किया इन सबके परचेज में एक्साइज पे किया होगा एक्साइज जो पे किया उसका मेरे को सैनविड ग्रिड मिल जाएगा क्लियर सर्विस टैक्स की को पे करने के लिए पर मेरे को वेट जो पे किया उसका रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिलेगा हाँ है ना पूरा वेट मेरी कोष का पार्ट बनता है अब मेरी बात को समझना अब सर्विस का एक दुख और था आप सोचिए सोचिए मेरे को मैं कोचिंग सर्विस प्रोवाइड करने वाला हूं मैं मान लो कोई कंसल्टेंट हूं मेरे को अपने ऑफिस के लिए दो एसी परचेस करने हैं दो लैपटॉप परचेस करने हैं क्या मैं डायरेक्ट के पास जाऊंगा डायरेक्ट सोचो आप ध्यान से

सर वो दो एसी बेचेगा क्या मैंने उसको बोला भाई यार दो, दो वो बोलता ए सी देना अरे दो ट्रक भर के एसी देना मैंने कहा ट्रक नहीं दो ट्रक नहीं भाई केवल दो एसी चाहिए बोला बाहर निकल चल वो मैन्युफैक्चरर ये रिटेल ये काम करने लग गया तो मैन्युफैक्चरिंग कब करेगा रे हाँ है ना मेरे भाई सर इसलिए प्रैक्टिकली बात करें तो अगर ये सर्विस सप्लायर हिंदुस्तान के जितने भी आपको लोग, लोग दिख रहे हैं मेजोरिटी ऑफ दी लोग गुड्स किससे परचेस करेंगे अपने आसपास के किसी शोरूम से किसी दुकान से किसी ट्रेडर से बेटा और ट्रेडिंग करने वाले अपने सेल पर क्या लगाएंगे बेटा वेट और ट्रेडर कैन नॉट चार्ज एक्साइज ऑन हिज इनवॉइस क्योंकि ट्रेडिंग केवल वेट लगता है वो अपनी सेल पे केवल वेट लगा सकते हैं दे कैन नॉट चार्ज एनी एक्साइज ऑन देर इनवॉइस मैं प्रैक्टिकल मोटा मोटी आपको आइडिया दे रहा हूं समझने की कोशिश करना सर मतलब मैंने जब ये दो एसी परचेज होंगे, दो लैपटॉप परचेज किए होंगे आसपास के शोरूम से सिंस शोरूम वाला इज अ ट्रेडर उसने बिल पे क्या लगाया हो बेटा वेट, बिकॉज नॉट अ मैन्युफैक्चरर अरे तो तो एक्साइज का क्रेडिट मिलता है तो एक्साइज बिल पे लिखा होगा तो क्रेडिट मिलेगा ना यार मेरे परचेज बिल पे एक्साइज लिखा हुआ ही नहीं है तो क्या मैं क्रेडिट ले सकता हूं क्या सोचिए आप मैंने जो गुड्स परचेस किया उसका जो बिल है परचेस बिल उस परचेस बिल पे एक्साइज ड्यूटी लिखा होगा तो तो मैं क्रेडिट ले पाऊंगा एक्साइज ड्यूटी लिखा ही नहीं होगा तो मैं क्रेडिट कैसे लूंगा सोचिए आप क्लियर तो सर्विस प्रोवाइडर का तो हेडेक और भारी था बेटा मतलब क्या सर्विस प्रोवाइडर ने जितने भी गुड्स आप सोचिए सर आप भी या आपने सर आसपास जितने भी फ्रेंड्स है उनके ऑफिस में जितने भी गुड्स वगैरह दिख रहे हैं उन सबके परचेस पे

जब बिल पे एक्साइज लिखा होगा सर बिल पे एक्साइज कौन लिख सकता मैन्युफैक्चरर लिख सकता क्या मैं वहां पर दो जाऊंगा नहीं सर मैं जाऊंगा जाऊंगा दुकान वाले के पास शोरूम वाले के पास जाऊंगा वहां गया तो उसने बिल पे क्या लगाया बेटा वेट क्रेडिट किसका मिलता एक्साइज का वो बिल पे लिखा हुआ ही नहीं है तो जिसका क्रेडिट मिलता है वो प्रैक्टिकली बिल पे लिखा हुआ आता ही नहीं था प्रैक्टिकल चीजों को समझने समझ की कोशिश करी क्योंकि वो मैन्युफैक्चर से नहीं खरीद रहा बेटा क्लियर तो जिसका क्रेडिट मिलता वो बिल पे है ही नहीं और जो बिल पे है वेट उसका क्रेडिट मिलता नहीं सर्विस सप्लायर को बेटा मतलब जो चाहिए वो है नहीं जो है वो चाहिए नहीं प्लीज डोंट लिंक इट विद द लाइफ समझे मेरी बात क्लियर मतलब प्रैक्टिकली सर्विस सप्लायर्स को सर प्रैक्टिकली मैं मोटा मोटी तौर पर बात कर रहा हूं बेटा सर 99 परसेंट केस की बात कर रहा हूं मैं आपसे सर एक रुपए का भी एक्साइज का नहीं मिल रहा था प्रैक्टिकली क्यों क्योंकि उनके परचेज परचेज बिल पर एक्साइज नहीं लिखा होता था क्योंकि मैन्युफैक्चरर से डायट कैसे खरीदेंगे यार Clear, और वो खरीदते थे किसे शोरूम वाले से दुकान वाले से जो बिल पर थे क्या वेट तो सर्विस सप्लायर को तो रुपए का भी प्रैक्टिकली क्रेडिट नहीं मिल रहा था मतलब मैं, मैं सालों से पढ़ा रहा हूं, सर्विस आज तक मैं खुद लोगों को पढ़ाता था क्या दस का क्रेडिट क्यों मिला दस का साल से पढ़ा रहा हूं बेटा और मैंने खुद ने आज तक एक रुपए का ग्रेड नहीं लिया सोचिए सोचिए तो सोचो आप ये सर्विस सप्लायर जितनी भी गुड्स खरीद रहा है वो कहीं कही ना कहीं तो मैन्युफैक्चर हुई है उसमें कही कहीं ना कहीं तो एक्साइज लगा पर एक रुपए का भी क्रेडिट प्रैक्टिकली नहीं मिल पा रहा सर जो मिल रहा है बिल पे टैक्स वो मिल रहा है वेट जिसका क्रेडिट मिलता नहीं जो चाहिए वो है नहीं बेटा क्लियर इसलिए दिस वर दुनाज इन दी प्रीवियस लॉज स्मूथ फ्लो आई से नहीं हुआ करता था अच्छा गवर्नमेंट ने मना नहीं किया प्रैक्टिकली कभी मिल, कभी मिल पाएगा कुछ भी गुड्स खरीदने के लिए वहां जाएंगे क्या नॉट पॉसिबल सर ट्रेडिंग करने वाले लोग सर उनको तो केवल वेट का के ही क्रेडिट मिलता है सर्विस टेक्स एक्साइज मिलता ही नहीं बेटा अच्छा मैनुफेक्चर को तकलीफ नहीं थी उसको लगता है <laughs> उसको दोनों को क्रेडिट मिलता है पर उसको भी प्रैक्टिकली बात करिए अगर आपकी फैक्ट्री है तो क्या जरूरी क्या? है बेटा में भी मान लो चार ऐसे अब डायरेक्ट डायनुफेक्चर से, से, से लूंगा क्या मैं मैन्युफेक्चर हूं तो क्या डायरेक्ट मैनुफैक्चर से हमेशा क्या सकता है मैंने भी ट्रेडर से परचेस कर लिया गुड्स उस पर वेट लगा के आया एक्साइज लगा के नहीं आया बेटा तो सर ऑल दो लगा हुआ है गुड्स कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चर हुआ है पर मेरे को क्रेडिट प्रैक्टिकली नहीं मिल पाएगा क्योंकि बेटा वेट तो वेट कहीं क्रेडिट मिलेगा एक्सरसाइज तो गया कॉस्ट का पार्ट बन गया बच्चों वो तो कहीं कही ना कहीं क्लियर इसलिए सर वर इन लकुना प्रीवियस प्रीवेस मेरे को एक रुपए का भी क्रेडिट नहीं मिल पाता था प्रैक्टिकली कई सारे केसेस में कुछ क्रेडिट मिल पाता था पर पूरा क्रेडिट नहीं मिलता था स्मूथ फ्लो ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं था जिसकी वजह से अननेसेसरी मेरी कॉस्टिंग बढ़ती थी कॉस्टिंग बढ़ने की वजह से मेरा महंगा ही बढ़ता था और अल्टीमेटली सेल प्राइस बढ़ता ही था सर मार्जिन कम होते थे बेटा इसलिए देर वॉज नीड ऑफ अ अस्टम देर वॉज नीड ऑफ अ सिस्टम जो इन सब इल इफेक्ट को इरेडिकेट कर पाए सर तो गवर्नमेंट के दिमाग में आइडिया आया एक काम करते हैं क्यों ना इन सारे टैक्सेस को मिक्स करके सिंगल टैक्स बना देते हैं नाम होगा क्या गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स ये एक्साइज हो वेट हो सर्विस टैक्स हो इन सब को मर्ज करो ये तो आखिरकार गुड्स और सर्विसेज टैक्स तो सर ग्लोबली ग्लोबली भी सर कई सारे देशों में ऑलरेडी जीएसटी था सर तो हिंदुस्तान ने सोचा क्यों ना हम भी हमारे देश के अंदर इन सब टैक्सेस को मर्ज करके एक सिंगल टैक्स कर दे नाम क्या होगा गुड्स एंड टैक्स सपना देखा सरकार ने क्या होगा सपने में देखिए सर सर क्या हो रहा है सर, मतलब मैन्युफैक्चरर हुआ तो भी क्या लगाएगा जीएसटी ट्रेडर हुआ तो भी क्या लगाएगा जीएसटी सर्विस सप्लायर हुआ तो भी क्या लगाएगा सेल पर जीएसटी परचेस पे जीएसटी सेल पे जीएसटी परचेस पे जीएसटी सेल पे जीएसटी सर हंड्रेड आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट चेन बिल्कुल फ्लो होगा क्योंकि सर सर चक्कर ही नहीं है कि सर, आपने बिल पे, पे टैक्स था गुड्स एंड टैक्स का नाम रख दो जीएसटी सारा आईटीसी मिलने वाला है स्मूथ फ्लो ऑफ इज द मेन परपज बिहाइंड इंट्रोड्यूसिंग द जीएसटी डिफरेंट डिफरेंट लोज पढ़ने की जरूरत नहीं होगी क्योंकि अगर हम वेट की बात करें वेट ज द रेवेन्यू रेवेन्यूफ स्टेट गवर्नमेंट और हर स्टेट का अपना अपना स्टेट का वेट लो अपने अपने स्टेट के हिसाब से अलग अलग लो था मतलब राजस्थान का वेट लो अलग है गुजरात का वेट लो अलग था महाराष्ट्र वेट लो अलग है मतलब आपको महाराष्ट्र में काम करना तो महाराष्ट्र वेट लो अलग से पढ़ना पड़ेगा गुजरात वेट लो अलग पढ़ना पड़ेगा अगर गुजरात में काम करना तो इसे हर स्टेट के अलग अलग वेट लो बने हुए है और अपने अपने स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने हिसाब से वो कानून बनाया हुआ है मतलब देश एक पर टैक्स अनेक इसलिए गवर्नमेंट ने सपना देखा वन नेशन वन टैक्स <coughs> वन नेशन वन टैक्स क्यों ना गुड्स और सर्विसेज पे इन सारे टैक्सेस को मर्ज करके सिंगल टैक्स बना दे नाम क्या होगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अब साहब सपना देखा सपने तो बहुत अच्छे होते सर आप भी कई बार सपने देखते होंगे बता और पता नहीं बेटा आप कौन कौन से कैसे कैसे सपने देखते होंगे पर मजा जरूर होता है सपनों में सर हाँ है ना सर अब पॉइंट मेरा आपसे ये आता है थोड़ा आगे में जाइए बेटा वापस सर अब अब पॉइंट मेरा आपसे ये आता है अब सपना तो देखा पर सपना पूरा करना बहुत जरूरी सर क्योंकि सपने बोलते ना सपने जरूर देखने चाहिए वो पूरे होते हैं पर सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जो सपनों के लिए काम करते हैं इसलिए सरकार गवर्नमेंट लग गई सपनों को पूरा करने में और सर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि लाएंगे टैक्स अब मालिक सबसे बड़ा चैलेंज जो आया वो सुनना बात को ध्यान से अभी अभी हमने बात करी क्या सेंट्रल गवर्नमेंट के भी टैक्सेस और स्टेट गवर्नमेंट के भी कुछ टैक्सेस मर्ज करके सब्स्यूम करके सिंगल टैक्स बनाएंगे नाम क्या होगा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स अब सर सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस की अगर मैं बात करूं तो मेजर टैक्स था एक्साइज ड्यूटी और सर्विस टैक्स क्लियर इनको मर्ज करने में तकलीफ नहीं थी क्योंकि सेंडवेड क्रेडिट दोनों को मर्ज करके रखा हुआ था, था। एक्साइज पर तकलीफ थी किसकी स्टेट गवर्नमेंट की क्योंकि केवल सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस मर्ज नहीं करने मेरे मालिक सर्विस टैक्स और वेट ही सर्विस टैक्स और एक्साइज ही मर्ज नहीं करना वेट भी मर्ज करना विच इज स्टेट गवर्नमेंट अब वहां पे क्या तकलीफ थी सर सर वेट इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और हर स्टेट ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने सरकम के हिसाब से अपने अपने कानून बनाए हुए थे जैसे मैं बताता हूं आपको क्या सर विविधता में एकता भारत की विशेषता आपने देखा होगा हिंदुस्तान ने इतने सारे स्टेट्स यहां पे आप स्टेट चेंज करो लोगों की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी सर लोगों का पहनावा चेंज हो जाएगा लोगों के भगवान चेंज हो जाएंगे सर लोगों की लैंग्वेज चेंज हो जाएगी सर लोगों का खाना चेंज हो जाएगा सर लोगों के सर आप देखना जो तरह हम भक्ति करते हैं है हाँ ना सोशल एक्टिविटीज चेंज हो जाएगी सर तो हर स्टेट ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने वेट लो बनाए हुए थे अब पॉइंट आता है क्या वन नेशन वन टैक्स सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी तो पूरे देश में एक ही था सर्विस टैक्स पूरे देश में एक ही था पर वेट हर स्टेट में अलग था <coughs> आये ना मालिक और इसको भी अगर मर्ज कर दे सिंगल टैक्स बना दे नाम क्या रख दे गुड्स एंड सर्विस टैक्स टैक्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जीएसटी तो सर स्टेट गवर्नमेंट का तो रेवेन्यू खत्म बेटा आज देश को चलाने के लिए कई सारे काम दे रखे स्टेट गवर्नमेंट के आज पता है आपको सर पुलिस की सैलरी कहां से मिलती है पुलिस स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है साहब स्टेट गवर्नमेंट इनकी सैलरी पे करते हैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको अब स्टेट गवर्नमेंट का जो मेजर रेवेन्यू है वेट का वो अगर जीएसटी में मर्ज करके और जीएसटी का पूरा पूरा रेवेन्यू अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट को दे दोगे साहब तो पुलिस वालों का एक जस्ट एक एग्जाम्पल दे रहा हूं स्टेट गवर्नमेंट के इस तरह के खर्चे पूरे करने के लिए पैसा कैसा आएगा सर या फिर अगर सारे टैक्सेस को मर्ज करके जीएसटी बना के सारे के सारे टैक्स दे दी किसको पूरा पूरा रेवेन्यू दे दी किसको स्टेट गवर्नमेंट को तो सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम कैसे चलाएगा का सर आज रेलवे चलाने हैं एयर सर सर एयरक्राफ्ट चलाने साहब आज आर्मी अपॉइंट करनी है सर ये कहां से होगा चांद पे पहुंचना है मालिक पहुंचे ना हम लोग ऐसे पहुंचते भी रहेंगे हम कैसे पहुंचेंगे पैसा चाहिए ना मालिक वो पैसा कहां से आएगा अगर सारा रेवेन्यू स्टेट गवर्नमेंट दे दिया सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे रिफंड इकट्ठा करेगा इसलिए इसलिए डिसीजन आया कि रेवेन्यू किसका होगा इसलिए सिंस सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के टैक्सेस मर्ज हो रहे हैं क्या बोला मालिक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस मर्ज हो रहे सिंगल टैक्स बन रहा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स तो वहां डिसीजन हुआ क्या ये रेवेन्यू को मिल बांट के खाएंगे मतलब आधा तेरा आधा मेरा और सर <coughs> जो भी जीएसटी का रेवेन्यू आएगा फिफ्टी परसेंट जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फिफ्टी परसेंट जाएगा किसके पास स्टेट गवर्नमेंट के पास इसलिए सर जीएसटी को दो टुकड़ों में बांटा गया सी जीएसटी और एस जीएसटी सी जीएसटी मतलब सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एस जीएसटी मतलब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सी जीएसटी विल बी द रेवेन्यू ऑफ स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट एस जीएसटी विल बी द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट क्लियर क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेस भी मर्ज हुए हैं इसलिए इंडिया में बोलते हैं क्या सर डुअल मॉडल जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ हिंदुस्तान में डुअल मॉडल मतलब सी जीएसटी और एस जी एस समझा मेरी बात क्लियर डन तो रेवेन्यू दोनों को बराबर मिल गया आधा आधा मैं महाराष्ट्र में आप महाराष्ट्र में मैं सर्विसेज सप्लाई कर रहा हूं मान लो आपको बेटा आपकी बिल पे मैंने लगाया क्या सी जीटी और एस जीएसटी तो फिफ्टी परसेंट जैसे मान लो नाइन परसेंट जाएगा किसके पास सेंट्रल गवर्नमेंट के गाइन परसेंट जाएगा किसके पास स्टेट गवर्नमेंट के पास मान लो वन लेख के सर्विस दिए नाइन थाउजेंड सी जीएसटी एस जीएसटी अब सी जीएसटी जो मैंने आपसे लिया वो दूंगा सेंट्रल गवर्नमेंट को एस जीएसटी जो मैंने दिया वो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को दूंगा मैं अगर महाराष्ट्र में हूं तो क्लियर पक्का डन अब साहब झगड़ा खत्म हो गया कि रेवेन्यू किसको मिलेगा आधा आधा बांट लेंगे सर आधा सी आधा एस सर सारे स्टेट मान गए कोई तकलीफ नहीं सर सेंट्रल गवर्नमेंट भी मान गई ठीक है सर रेवेन्यू दोनों को चाहिए दोनों को डिवाइड कर दिया सर अब क्वेश्चन ये आता है वन नेशन वन टैक्स अगर फिफ्टी परसेंट सी जी एस टी लगेगा फिफ्टी परसेंट एस जी एस टी लगेगा तो सी जी एस टी एक्ट कौन बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा बेटा समझने की कोशिश करना बात को ध्यान से अब एस अगर स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू है तो उसका भी अलग एक्ट बनेगा एस एक्ट एस जीएसटी एक्ट कौन बनाएगा बेटा स्टेट गवर्नमेंट बनाएगा बेटा ओहो अगर स्टेट गवर्नमेंट एस एक्ट बनाएगा सी एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगा तो अगर हर स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने हिसाब से अगर एसडीएसटी एक्ट अलग अलग बना दिया तो किसी स्टेट ने एसडीएसटी कुछ और बनाया होगा किसी और स्टेट ने कुछ और बना दिया तो सर वन नेशन वन टैक्स का तो फंडामेंटल ही खत्म जो मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्सेशन तो नाम चेंज हो गया केवल एक्साइज सर्विस नाम रख दिया क्या सी जी एस टी वेट का नाम रख दिया एस जी एस टी अगर सेम होता तो सर वन नेशन वन टैक्स का सपना पूरा नहीं होता गवर्नमेंट बोला नहीं 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 हर स्टेट गवर्नमेंट अपना अपना एस जी एस टी एक्ट अलग अलग नहीं बनाएगी सर तो क्या करेंगे क्या करेंगे फिर सोचिए आप ये डिस्कशन चल रहा है गवर्नमेंट का जीएसटी आने से पहले ये सब चीजें अगर आपने अभी समझ ली अभी सीख ली देखो सर आपका माइंड ब्रॉड हो जाएगा चीजें समझ में आएगी सर और प्रोविजन कैसे बने वो आपको अपने आप समझ में आएंगे ये फंडामेंटल ध्यान से सुनिए आप मस्त होके मन लगा के दिल खोल के और हां वैसे भी कोई ऐसी टेक्निकल बातें चल नहीं रही एकदम पंचायती वाली बातें चल रही सर पंचायती में किसको मजा नहीं आता है भाई हरा होगा मजा आपको भी हरा चलने तो सर कहा नहीं तो इधर से मोदी जी ने बोला साहब सी जी एस हम बनाएंगे और वही सारे स्टेट में भी एप्लीकेबल होगा तो सारी स्टेट गवर्नमेंट ने बोला ओ भाई ऐसे कैसे देखिए मालिक केवल रेवेन्यू देने से कुछ नहीं होता पावर भी तो होना चाहिए आज वेट लो वेट हर स्टेट गवर्नमेंट का पावर था कि हम वेट लो बनाएंगे तो वहां की इंडस्ट्री वाले वहां के जो चीफ मिनिस्टर साहब है वहां के जो मिनिस्टर ऑफ लॉ है उन सबको साफ साफ करेंगे ना यार क्योंकि पावर उनके पास वेट लो बनाने का एक्साइज का पावर था सेंट्रल गवर्नमेंट को उनको फैक्ट्रीज वाले सर्विसेज वाले बोलेंगे वा साहब हमारी सर्विसेज के केस में ये कर दो ऐसा दे दो ऐसा रेट ऑफ उट टैक्स कम कर दो उनके पास पावर था उनको हाथ जोड़ेंगे उनके पास पावर था बेटा अब सोचिए आप अगर ये पावर आपसे छीन ले हां रेवेन्यू आपको दे दे मतलब ये बात ये है कि हर महीने आप जो काम कर रहे हो फॉर एग्जांपल कोई एम्प्लॉ काम कर रहा है उसको उसकी सैलरी मिल जाए पर सम्मान ना मिले उसको आदमी हक के लिए जीता है साहब पैसों के लिए नहीं जीता है <laughs> क्लियर तो स्टेट गवर्नमेंट बोला ना 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 मोदी जी ना हो पाएगा हमारे लिए वेट ठीक है साहब आपको जीएसटी लगाना है आप लगाइए सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में हमको तो हमारा वेट ठीक है साहब मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने मना कर दिया साहब कि सारे पावर आपके पास चलाए जाएंगे अगर एक्ट बनाने के तो हम क्या करेंगे हवन करेंगे क्या सारे पावर आपके पास आ जाएंगे तो हम एक्सेप्ट नहीं करते तो सर मोदी जी ने बोला देखो साहब विजन इज वन नेशन वन टैक्स सर सिंप्लीफिकेशन टैक्स होना चाहिए आज वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनीज अगर इंडिया में अपने बिजनेस शुरू करेंगे तो उनको इतना अलग अलग स्टेट वाइज टैक्सेशन में हम उलझा नहीं सकते वी नीड वन नेशन वन टैक्स आप बताइए क्या करें सर अगर हर स्टेट को उनको पावर दे दी आप अपने अपने हिसाब से एस जी बना दीजिए तो सरकार पॉसिबल नहीं हो पाएगा प्रैक्टिकली हर स्टेट में अलग एक्ट बन जाएगा तो बात वही घूम फिर के पुराने लोगों की तरह ही आ जाएगी नया एक्ट में फिर हुआ क्या नाम चेंज करने से क्या मतलब रहा क्लियर हमारे को पूरे देश में एक ही एक चाहिए इसलिए सोचिए आप सर इसलिए गवर्नमेंट बोला नहीं 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 एक्ट तो सेम बनेगा तो सर पता है क्या क्या, क्या गवर्नमेंट ने ध्यान से सुनना सर सीजीएसटी एक्ट बनाया <coughs> और हर स्टेट गवर्नमेंट को बोल दिया आप भी अपना अपने स्टेट में जो एसजीएसटी एक्ट है वो सेम बनाएंगे तो सर स्टेट गवर्नमेंट मना कर दिया सब क्लियर कि सारा पावर आपको क्यों दें अगर पावर रखना तो म्यूचुअल रखो सर आप इसलिए पता है क्या हुआ अब जीएसटी काउंसिल आया क्या बनाया गया जीएसटी काउंसिल बनाई गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पावर्स को यूज करके एक काउंसिल बनाई गई जिसका नाम रखा जीएसटी काउंसिल और जीएसटी काउंसिल पता है क्या है सर जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स को बताया सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स भी उसके अंदर है और हर स्टेट गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स भी उसके अंदर है मतलब जीएसटी काउंसिल में सर सारी स्टेट गवर्नमेंट के नॉमिनेटेड मेंबर्स है सेंट्रल गवर्नमेंट के मेंबर्स है इसके चेयरमैन होंगे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर सर जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट में यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर वो इसके चेयरमैन है एंड सारी स्टेट गवर्नमेंट के मेंबर्स भी इसमें है एंड जीएसटी काउंसिल क्या होगी बताए ये सारे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलकर बनाई गई है अब ये काउंसिल डिसाइड करेगी कि एक्ट में क्या लिखा होना चाहिए कि एक्ट में क्या नहीं होना चाहिए कहां पे कितना टैक्स लगाना है कहां पे कितना टैक्स नहीं लगाना है, किसको एग्जीम्शन देना है किसको एग्जीम्पन नहीं देना है और उसके बाद एक्ट ड्राफ्ट किया गया मतलब एक्ट बनाने का पावर डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को नहीं दिया एक्ट बनाने के पावर स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दिया मतलब एक्ट सबने मिल बांट के बनाया है <coughs> मिलजुल बनाया है मतलब सबकी भागीदारी सबकी हिस्सेदारी रखी गई ऑल आर पार्टनर्स इन ड्राफ्टिंग द लॉ एंड सर इन सबने मिलकर <coughs> एक्ट बनाया है एक्ट को ड्राफ्ट किया है और उसके बाद <coughs> जब सबने मिलकर ही बनाया है सब सबने मिलकर डिस्कशन किया और उसके बाद एक नतीजे पर कि यह होना चाहिए और उसके बाद वो हुआ है तो सर उसके बाद क्या हुआ सीजीएसटी एक्ट बना और जो सीजीएसटी एक्ट बना वो ही हर रेस्पेक्टिव स्टेट का क्या है एसजीएसटी एक्ट है क्योंकि सबने मिल जुल के ये एक्ट को बनाया गया है सबका सर मिलाकर डिस्कशन करके और उसके बाद फाइनली स्टडी करके कि सारे स्टेट को ये एक्सेप्टेबल होगा सेंट्रल गवर्नमेंट को भी ये एक्सेप्टेबल होगा सबने मिलकर ये एक्ट बनाया है सीजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी इसलिए इसलिए सी एक्ट में जो लिखा है एब्सोल्युटली वही सारे एस एक्ट में लिखा हुआ है मैं तो ऐसे कह दू कि एस एक्ट में जो लिखा है वही सी एक्ट में भी लिखा हुआ है या मैं और प्रिसाइसली बोल देता हूं मान लो महाराष्ट्र का एस एक्ट महाराष्ट्र एस एक्ट में जो लिखा है वही बाकी सारी स्टेट गवर्नमेंट के एस एक्ट में लिखा है और वही सी एक्ट में लिखा मतलब सर देखो टैक्स कलेक्ट करने का पावर टैक्स जो मिलेगा वो आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलेगा आधा स्टेट गवर्नमेंट को मिलेगा इसलिए सीजीएसटी और एसजीएसटी आधा आधा किया गया इसलिए सिंस सीजीएसटी इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इसलिए सीजीएसटी एक्ट अलग बना एसजीएसटी इज द रेवेन्यू ऑफ रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट इसलिए हर स्टेट का अलग अलग एसजीएसटी एक्ट पास हुआ सर हर स्टेट में जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होती है बेटा सर वहां से

क्लियर डन मतलब मोटा मोटी इनफैक्ट सेक्शन नंबर सब सेक्शन नंबर क्लोज नंबर भी सेम है इसलिए अगर आपने सी जी एस टी एक्ट पढ़ लिया तो समझ जाना हिंदुस्तान के जितने स्टेट्स है जहां पे एस जी एस टी एक्ट है वो भी आपने पढ़ लिए इसलिए आपके सिलेबस में केवल सी जी एस टी एक्ट ही आता है <coughs> आपके सिलेबस में केवल एक ही एक्ट है क्या नाम क्या है सी जी एस टी एक्ट और सी जी एस टी एक्ट अगर आपको आ गया तो हिंदुस्तान की किसी भी स्टेट में आप चले जाए ना उसका एस जी एस टी एक्ट में भी वही लिखा हुआ है सर मतलब आपने सी जी एस टी एक्ट पढ़ लिया मतलब सारे एस जी एस टी एक्ट पढ़ डाले क्लियर समझा मेरी बात वन नेशन वन टैक्स वन नेशन वन टैक्स

क्लियर तो ये जीएसटी काउंसिल है जिसने सारी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलकर एक साथ एक जगह जोड़ के रखा है बेटा वरना सोचिए वन जो सी जी एस टी एक में लिखा है वही सारी एस जी एस टी एक्ट में होना चाहिए या मैं कह दू किसी एस जी एस टी एक में कुछ लिखा है तो वही सारे स्टेट गवर्नमेंट में और सी जी एस टी एक्ट में वही लिखा होना चाहिए सर अगर ये जीएसटी काउंसिल नहीं होता तो बताया क्या होता है आज मान लो किसी स्टेट गवर्नमेंट मान लो किसी गुड्स पर रेट ऑफ टैक्स कितना है नाइन परसेंट है सी में नाइन परसेंट है और सारे स्टेट में भी एस कितना है नाइन परसेंट है बेटा मान लो साहब वेस्ट बंगाल की सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ खनक गई आता माजी सटक ली सर को तकलीफ हुई ये स्टेट गवर्नमेंट लगा नहीं नहीं साहब मार्कर पर रेट ऑफ टैक्स तो कम होना चाहिए उन्होंने अपने स्टेट में अमेंडमेंट कर दिया अमेंडमेंट का डायरेक्ट पावर अगर उनको होता सर उन्होंने अपने स्टेट के अंदर अब वेस्ट बंगाल स्टेट गवर्नमेंट ऑफ टैक्स कर दिया कितना सिक्स परसेंट तो सर सुबह उठ के सेंट्रल गवर्नमेंट को भी इस पर रेट ऑफ टैक्स अमेंडमेंट करना पड़ता कितना सी का सिक्स परसेंट और जैसे सी जी हुआ सारे स्टेट गवर्नमेंट को

कि नहीं नहीं नाइन परसेंट ही है सर और नेक्स्ट डे सारी स्टेट गवर्नमेंट भी क्या करती नोटिफिकेशन इश्यू करके अमेंडमेंट करती और बोलती कि नहीं नाइन नाइन परसेंट ही रहेगा मतलब ये तो आपस में खेलते रहते, रहते। बेटा इधर से सेंट्रल गवर्नमेंट से कोई स्टेट गवर्नमेंट नाराज हो जाती वो चेंज कर देता वो चेंज करता तो सेंट्रल गवर्नमेंट को चेंज करना पड़ता मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट चेंज करती तो सारी स्टेट को चेंज करना पड़ता मतलब ऐसा तो ये आपस में बैंड भेजा सर लोगों की देश जनता तो बागल हो जाती इसलिए जीएसटी काउंसिल आया और जीएसटी काउंसिल ने क्या बोला भाई इस तरह की कोई भी रेट ऑफ टैक्स वगैरह में चेंज अगर करना होगा तो पहले वो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में डिस्कशन होगा जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में जब वो डिसाइड होगा उसके बाद हर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट एक साथ नोटिफिकेशन इश्यू करेगी सो दैट पूरे इंडिया में एक साथ जीएसटी अगर कुछ चेंज करना तो रेट ऑफ टैक्स अगर चेंज करना तो एक साथ चेंज होगा सारी स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट साथ में चेंज होगा ऐसे किसी की मर्जी हो जाए चेंज हो जाए ऐसा नहीं हो पाएगा इतना बड़ा रोल प्ले किया जीएसटी काउंसिल ने क्योंकि जीएसटी काउंसिल इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द स्टेट्स एंड सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा क्लियर डन दिस इज हाउ गिस एस जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड क्लियर एंड दिस इज हाउ जीएसटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम फर्स्ट ऑफ जुलाई टू थाउजेंड सेवेंटीन जुलाई दो हजार एक जुलाई दो हजार सत्रह को सर जीएसटी डे बनाया जाता है क्योंकि उस दिन से जीएसटी इंप्लीमेंट हो गया हिंदुस्तान में बातें तो बहुत सालों से चल रही थी बेटा पर इंप्लीमेंट होगा तो बात समझेंगे ना बेटा यार कर सर कब इंप्लीमेंट हुआ फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड से जीएसटी इंडिया में आ गया क्लियर अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं मस्त वाला मजा आएगा आपको जीवन के अंदर शानदार वाला एक एक, एक लेते हैं बेटा मस्त मान लो मैं कहा महाराष्ट्र मुंबई महाराष्ट्र बेटा सर यशवंत मंगल मैं मुंबई महाराष्ट्र में हूं महाराष्ट्र के मान लो मिस्टर वाय ने कोई गुड्स मैन्युफैक्चर करी जीएसटी आ गया बेटा जीएसटी इंट्रोड्यूस हो गया है समझने की कोशिश करना मिस्टर वाय ने कोई गुड्स बनाया है और वो गुड्स बना के उसने बेच दिया किसको मिस्टर एक्स को वैल्यू ऑफ गुड्स या वैल्यू ऑफ सर्विस जो भी थी बेटा वो गुड्स बनाया है, सर्विस बनाया है? एक ही बात है सर वो थी मान लो टेन लाख रुपये बेटा कितना मालिक टेन लैख्स ओके सर अब टेन लैख में उसने गुड्स बना के बेचा मिस्टर वाई ने सर मिस्टर एक्स को बेचा मिस्टर एक्स भी कहा है बेटा महाराष्ट्र मिस्टर वाई भी कहा है महाराष्ट्र अब महाराष्ट्र से महाराष्ट्र बेचा तो क्या लगेगा सर इंटरेस्ट सेल है सी और एसजीएसटी बेटा सर इस पे लग गया सी जी एस टी सपोज नाइन परसेंट वॉज द रेट ऑफ टैक्स सी का एस जी एस टी मतलब महाराष्ट्र एस जी कितना बेटा नाइन परसेंट कितना हो बच्चा थोड़ा सा एक जीरो कम कर दे क्या ठीक रहेगा का गुड्स सर आउट फिगर्स पे टोटल कितना हो गया बेटा वन लेख एटीन थाउजेंड ये परचेज इनवॉइस है एक लाख अठारह हजार का ये सेल इनवॉइस से है मिस्टर वाई के लिए ये परचेज इनवॉइस हो गया किसके लिए मिस्टर एक्स के लिए, लिए बेटा क्लियर वाई ने एक्स को गुड्स बेचा होगा वन लैख एटीन थाउजेंड में उससे होगा उसमें से नाइन थाउजेंड सी जी एस टी का जो अमाउंट गवर्नमेंट को पे किया होगा बेटा और ये नाइन थाउजेंड जो एस जी एस टी वो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को पे किया होगा किसने पे किया होगा बेटा मिस्टर एक्स ने किससे लिया सॉरी मिस्टर वाई ने वाई ने पे किया होगा गवर्नमेंट को किससे लिया होगा एक्स से लिया होगा क्लियर अब एक्स से वाई ने एक्स लिया और रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट को पे कर दिया और वन लेख उसकी खुद की रेवेन्यू थी उसने खुद के पास रखा क्लियर डन ये एक्स ने किया गुड्स वाई से अब आगे कहानी बढ़ती है अब मिस्टर ने <coughs> महाराष्ट्र के मिस्टर एम को महाराष्ट्र के मिस्टर एम को गुड्स बेच दिया किसने एक्स ने क्लियर सर अब महाराष्ट्र का मिस्टर एक्स भी महाराष्ट्र में मिस्टर एम भी महाराष्ट्र में सर क्या होगा इंटरेस्टेड सेल है अगेन सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा मान लो इसने जो गुड्स बेचा वो बेचा कितने में सर कितने में बोलो सर टू लेक लिख देते ले कितने बेचा बेटा टू लेके में बेचा बेटा ओके सर अगेन सीजीएसटी नाइन परसेंट एंड एसजीएसटी इज ऑल्सो नाइन परसेंट कितना हो बेटा 18000 18000 x ने बिल बनाया होगा m को x वो आपकी वाली x को याद मत करो बेटा स्कूल वाली ठीक है अभी इधर आ जाओ c a में आ गए हम बेटा ओके सर सर x ने बिल को लिखा होगा m को 236000 का उससे उसे 236000 ले लिए होंगे इसमें से सी जीएसटी कितना बेटा 18000 किसका रेवेन्यू है सेंट्रल गवर्नमेंट का है जब जब मिस्टर एक्स गवर्नमेंट को अठारह हजार रुपए टैक्स पे करेगा उसने परचेस पे ऑलरेडी नाइन थाउजेंड टैक्स पे किया हुआ है सर ये नाइन थाउजेंड का उसने परचेस पे क्रेडिट लिया होगा बेटा सी जी एस टी आई टी सी अवेल किया होगा सर इसने कितने का नाइन थाउजेंड का और सर एस जी एस टी आईटीसी इसने अवेल किया होगा कितने टैक्स आईटीसी को यूज करी को पे करने में काम आएगा सर इसने परचेस पे नो हजार रुपए टैक्स पे किया था सेल पे लाइब्रे अठारह रुपए की अठारह हजार की लाइब्रेड को पे करने के लिए सी जी एस टी आई टी सी यूज क्लियर और बैलेंस नाइन थाउजेंड क्या करेगा बेटा पे कर देगा बच्चों आए ना सेम वे जब एस जी एस टी की लाइवी की बात आएगी तो सर सेल पे अठारह हजार की है परचेस पे इसने आठ नौ हजार ऑलरेडी एस जी एस टी पे किया हुआ तो क्या क्या करेगा ये बेटा नौ हजार का एस जी एस टी आई टी सी यूज करेगा और बैलेंस नौ हजार क्या कर देगा बेटा पे कर देगा भारत माता की जय क्लियर डन अच्छा मेरा पॉइंट आपसे ये है क्या सी जी एस टी का आई टी सी

अभी देखो सिस्टम कितना फास्ट बनता है आपके दिमाग में सर अब मेरे भाई मिस्टर एम ने क्या किया <coughs> मिस्टर एम ने इन गुड्स को परचेज किया था मिस्टर एक्स से और ये उसका परचेज इनवॉइस है बेटा क्लियर मिस्टर एम ने इन गुड्स को गुजरात की मिसिस जी को बेच दिया बेटा सर ये और लो आपको और भी अच्छा लगेगा बेटा गुजरात की मिस जी को मिस्टर एम ने गुड्स बेच दिया <coughs> अब आप कहेंगे सर सर गुड्स महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में अगर बिकता है तो उसको बोलते हैं इंट्रा स्टेट सेल उस पर लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी पर अगर गुड्स महाराष्ट्र से गुजरात जाता है तो वो हो गया इंटर स्टेट सेल और इंटर स्टेट सेल पे क्या लगेगा आईजीएसटी सर बात को समझने की कोशिश करना सर इंटरास्टेट सेल पे लगता है क्या सी जी एस टी और एस जीएसटी इंटरस्टेट सेल हुआ तो क्या होगा इंटरस्टेट <coughs> सेल होगा तो क्या होगा सर सुनना बात को समझना ध्यान से हमने जब जीएसटी शुरू किया था हमने बात करी क्या सी जी एस टी इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एस जी एस टी इज द रेवेन्यू ऑफ स्टेट गवर्नमेंट तो सर जिस स्टेट में गुड्स बिक रहा है महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में बिक रहा है तो 50 परसेंट जाएगा महाराष्ट्र स्टेट को 50 परसेंट जाएगा सेंट्रल स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को पर सर महाराष्ट्र से जा रहा है कहां गुजरात में महाराष्ट्र से गुड जा रहा है कहां गुजरात में तब तो क्या वहां पे महाराष्ट्र स्टेट का रेवेन्यू मिलेगा महाराष्ट्र स्टेट को या गुजरात गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलना चाहिए बेटा झगड़ा हो जाएगा तो महाराष्ट्र वाले बोलेंगे नहीं 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 हमारे यहां सेल हुआ है हमको टैक्स दो गुजरात वाले बोलेंगे नहीं नहीं हमने परचेज किया हमको टैक्स दो झगड़ा हो जाएगा ना यार क्लियर इसलिए सर इंटर स्टेट सेल जब होता है गुड्स का, हो का हो उस पर एक नया टैक्स लगाया गया न तुम्हारा न हमारा ये लोग आईजीएसटी लिया है एंड आईजीएसटी इज द सम टोटल ऑफ दिस सी जी एस टी एंड एस जी एस टी न सी लगेगा ना एस लगेगा एक ही टैक्स लगेगा नाम क्या होगा आई जी एस टी जैसे सी जी एस टी नाइन परसेंट एस जी एस टी नाइन परसेंट तो

महाराष्ट्र के मिस्टर एम ने गुजरात की मिसिस जी को मिस जी को गुड्स बेचा मान लो गुड्स बेचा कितने में थ्री लाख में परचेज किया था कितने में बेटा टू लाख में और महाराष्ट्र के एम ने गुजरात की जी को गुड्स बेच दिया थ्री लाख में डांडे खेले कैमचो कैमचो फाफड़ा जलेबी खाई और गुड्स बेच दिया कितने में थ्री लेग में इंटरस्टेट सेल है बेटा ये दिस इज कोल्ड इंटरस्टेट सेल या इंटरस्टेट सप्लाई लिखो ज्यादा अच्छा है एक ही बात है वैसे तो इंटरस्टेट सप्लाई ये था क्या इंटरस्टेट सप्लाई ये भी क्या था बेटा इंटरेस्टेड सप्लाई ओके मालिक सरकार अब महाराष्ट्र से गुड्स चला गया कहा गुजरात अब गुजरात जो गुड्स गया उस लगेगा क्या? आईजीएसटी। कितना बेटा? डायरेक्ट एटीन परसेंट कितना हो गया फिफ्टी फोर थाउजेंड सर थ्री लैख फिफ्टी फोर थाउजेंड इज द बिल इनवॉइस वैल्यू बेटा इंक्लूडिंग जीएसटी ओके सर मतलब एम ने जी को गुड्स बेचा लाख में उस पर आई जीएसटी था फिफ्टी फोर थाउजेंड तो एम ने जी से थ्री लाख फिफ्टी फोर थाउजेंड ले लिया उसमें से फिफ्टी फोर था क्या है आई जी एस टी आई जी एस टी टैक्स मैनेज सेंट्रल गवर्नमेंट मैंने ये नहीं बोला कि आई जी एस टी इज द रेवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एक बार ये टैक्स जाएगा कहां सेंट्रल गवर्नमेंट के पास के पास जाएगा उसके बाद क्या होगा बात करेंगे बाद में तो साहब आई जी एस टी आप समझ लो ना सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू है ना स्टेट गवर्नमेंट का रेवेन्यू दोनों का एक कॉमन फंड है सेंट्रल गवर्नमेंट का भी और स्टेट गवर्नमेंट का भी कॉमन फंड है नाम क्या है बेटा आईजीएसटी अकाउंट ठीक है मालिक सर अब मेरे भाई मिस्टर एम ने मि मिस जी से गुड्स जब बेचा उससे थ्री लैख फिफ्टी फिफ्टी फोर थाउजेंड सर टोटल अमाउंट ले लिया उसमें से आईजीएसटी फिफ्टी फोर थाउजेंड आई बेटा जो इसको पे करना पड़ेगा अब आईजीएसटी जो पे करेगा गवर्नमेंट को कैसे पे करेगा पे, इसने C पे किया, S ने जब गुड्स किया, C पे किया के लिए काम नहीं आता पर सर सोचिए सी और एस दो, दोनों मैंने जो परचेस पे किया मेरी सेल पे लाइब्रेडी आ रही किसकी आई जी एस टी की अगर आई जी एस टी की लाइब्रिटी को पे करने में अगर सी जी एस टी और एस जी एस टी जो मैंने परचेस पे किया उसका अगर क्रेडिट नहीं मिलेगा तो तो सर, वन नेशन वन टैक्स स्मूथ फ्लो ऑफ आईटीसी बर्बाद हो जाएगा बेटा इसलिए अगर क्रेडिट नहीं मिलता तो ये अठारह हजार प्लस अठारह हजार थर्टी सिक्स थाउजेंड जो इसने टैक्स पे किया ये इसकी कोस्ट का पार्ट बन जाता बच्चों वन नेशन वन टैक्स स्मूथ फ्लो ऑफ आईटीसी का बैंड बन जाता बच्चों। इसलिए सर सी जीएसटी का आई टी सी अठारह हजार इसको बिल्कुल मिलेगा खास बात एस जी एस टी का जो आईटीसी है वो एटीन थाउजेंड इसको पूरा मिलेगा एंड आई जीएसटी की लाइब्रेरी को पे करने के लिए सी और एस जी एस टी दोनों का आई टी सी काम आता है कोई तकलीफ वाली बात नहीं है मतलब आई जी एस टी की लाइब्रेरी सेल पर कितना फिफ्टी फोर था परचेज पे आपने अठारह हजार रुपये सी का आई टी सी आपके पड़ा है वो आप यूज करेंगे एटीन थाउजेंड आपने एस जी एस टी पे किया था उसका आई टी सी यूज करेंगे आप क्लियर और बैलेंस एटीन थाउजेंड पे कर देंगे भारत माता की जय समझा मेरी बात मतलब लाइब्रेडी आई जीएसटी की अगर आई है तो आई जीएसटी की लाइब्रेडी को पे करने के लिए सी और एस जीएसटी और दोनों का आईटीसी काम आता है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक सर आगे और बढ़ते हैं अब हम सर आगे और बातें इंटरेस्टिंग आएगी दिल थाम के कोई कम नहीं है खूब डंडे खेले बेटा भी भी। इस गुड्स को राजस्थान के मिस्टर आर को बेच दिया ओके अब गुजरात से गुड्स निकल के कहा जा रहा है बेटा राजस्थान जा रहा है मतलब अगेन क्या है बेटा ये इंटर स्टेट सेल हो गया इंटरस्टेट सप्लाई हो गया अब इंटरस्टेट सप्लाई अगर है तो क्या लगेगा आई जेस्ट लगेगा अब देखना मेरे भाई क्या होने वाला है सर, जब राजस्थान की जी ने राजस्थान के आर को गुड्स बेचा वैल्यू था सपोज फोर लाख रुपए, फोर लाख पर उसने आईजेस्ट लगाया इंटरस्टेट सेल है बेटा एटीन परसेंट सपोज टैक्स है होता है कितना सेवेंटी टू थाउजेंड फोर लेख सेवेंटी टू थाउजेंड का बिल बनाया होगा जी ने आर को चार लाख बहतर हजार रुपए आर से ले लिए होंगे जी ने अब परचेज पे इन्होंने पे किया था क्या आई जी एस टी और खास बात आई जी एस टी का भी आईटीसी मिलता है कोई तकलीफ वाली बात नहीं है वन नेशन वन टैक्स परचेज पे अल्टीमेटली जीएसटी पे किया क्रेडिट मिलेगा सर क्लियर अब सेल पे आई जीएसटी की लाइफी टू थाउजेंड परिफ्टी फोर आईटीसी आपको यूज आ जाएगा ये आई का आईटीसी यूज कर लिया फिफ्टी फोर थाउजेंड का और रिमेनिंग एटीन थाउजेंड इसने और पे कर दिया क्लियर समझे मेरी बात अब गुड्स कहां पहुंच गया राजस्थान के आर के पास पहुंच गया आराम से मस्त होले होले एक-एक स्टेप बेस्ट एक स्टेप आगे बढ़ते जाओ अब राजस्थान के आर ने क्या किया सर, राजस्थान के आर ने इन गुड्स को फर्दर आगे बेचा किसको? राजस्थान के मिस्टर जे को ओके <clears throat> okay. अब राजस्थान के मिस्टर आर ने राजस्थान के मिस्टर जे को गुड्स अगर बेचा है तो अगेन सर विद इन द स्टेट सेल हुआ है मतलब इंट्रा स्टेट सप्लाई हुआ है और इंट्रा स्टेट सप्लाई पे क्या लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है बच्चों <coughs> चलिए पिंक कलर यूज करते है। आपको अच्छा लग रहा होगा सर तो परचेस पे आईजीएसटी का आईटीसी इसने लिया होगा कितना सेवेंटी टू थाउजेंड लिया होगा बेटा अच्छा सेल क्या कितने में बेटा वैल्यू फाइव लैख सपोज राजस्थान के आर ने राजस्थान के जे को गुड्स बेच दिया कितने इंटरेस्टेड था क्या लगेगा सीजीएसटी सपोज नाइन परसेंट था सी जी एस टी एस जी एस टी अगेन नाइन परसेंट कितना होता है बेटा सर फोर्टी फाइव थाउजेंड फोर्टी फाइव थाउजेंड सीजीएसटी और एस जी एस टी ये बिल बन गया पांच लाख नब्बे हजार का टोटल बिल बेटा क्लियर अब राजस्थान के मिस्टर आर ने राजस्थान के मिस्टर जे जय को जब गुड्स बेचा उसको फाइव एक नाइन्टी थाउजेंड का बिल बनाया उसमें सी जी एस टी फोर्टी फाइव थाउजेंड एस जी एस टी फोर्टी फाइव थाउजेंड उससे फाइव एक 90,000 थाउजेंड लिया होगा अब इसमें से फोर्टी फाइव थाउजेंड पे करना है सेंट्रल गवर्नमेंट को फोर्टी फाइव थाउजेंड पे करना है स्टेट गवर्नमेंट को जब मिस्टर आर सेंट्रल गवर्नमेंट को फोर्टी फाइव थाउजेंड पे करेगा स्टेट गवर्नमेंट को फोर्टी फाइव थाउजेंड पे करेगा एस जी एस टी

ई जीटी फॉर सी जीएसटी एंड ऑफ एस जीएसटी इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रपोर्शन आप किसी भी ऑर्डर किसी भी प्रोपोर्स में आई जीएसटी के आईडीसी को सी जी एस टी की लाइब्रेड और एसजीएसटी की लाइब्री के लिए यूज कर सकते हो अब समझना बात को ध्यान से मान लो हमारे भाई मिस्टर आर ने परचेज पे टैक्स पे किया 72,000 सेल पे लाइव की 45, की, एस जी एस टी 45,000 का पे करने के लिए पूरा पूरा 45, का आई टी सी यूज कर लिया सर और अब आगे सर सुनना 72,000 टू 72, थाउजेंड सेवेंटी टू थाउजेंड का आई टी सी था उसमें काम आ गया फोर्टी फाइव थाउजेंड आई टीसी की के लिए, तो बचा ट्वेंटी बच की लाइब्रेडी को पे करने के लिए और बैलेंस कितना बचता है भाई अठारह रुपया एटीन थाउजेंड उसने क्या कर दिया पे कर दिया क्या पे किया होगा बेटा एस जीएसटी की लाइब्रेडी पे कर दी होगी अब सर अल्टीमेटली फोर्टी फाइव थाउजेंड सी जी एस टी पे हो गया फोर्टी फाइव थाउजेंड एस जीटी पे हो गया सर ये आई टीसी जो है वो रेस्पेक्टिव टैक्स पे करने में काम आ गया कोई फर्क नहीं पड़ता अच्छा अब आप आ, दो मिनट आप में आपको माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर आई जीएसटी का आई टीसी जो सी में काम आया उसका क्या होगा ट्वेंटी सेवन थाउजेंड में काम आया उसका क्या होगा हम बात करेंगे दो मिनट बाद वैसे बताता हूँ फोर्टी फाइव थाउजेंड अट्टीमेटली सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल गया फोर्टी फाइव थाउजेंड एस जी एस टी स्टेट गर्व राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को मिल गया ये हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद समझ में आएगा यहाँ तक समझ में आएगा बट आपको तो अल्टीमेटली मैंने आपको यह समझाया इस एग्जाम्पल के थ्रू कि इंटरस्टेड सेल क्या होता है एक छोटा सा एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने समझाने की कोशिश करी इंटरसेट सेल क्या होता है थोड़ा मैंने आपको आइडिया दिया बेटा इंट्रास्टेट सेल पर सीजीएसटी और एसजीएसटी लगता है इंटरस्टेट सेल पर आईजीएसटी लगता है बेटा क्लियर सीजीएसटी का क्रेडिट सी में भी काम आता है और आईजीएसटी की लाइवलिटी को पे करने में भी काम आता है एस जी एस टी की लाइब्रेड को पे करने में भी काम आता है जीएसटी की लाइब्रेड को पे करने में भी काम आता है पर सी जीएसटी काम नहीं आता एस जीएसटी की लाइब्रेड में काम नहीं आता हाँ परचेज पे आपने आई जी पे किया हुआ है तो आई जीएसटी का क्रेडिट आई जीएसटी की लाइब्रेडी को पे करने में भी काम आता है सी जीएसटी की लाइब्रेडी को पे करने में भी काम आता है और एस में भी काम आता है मतलब आई जी यूनिवर्सल ब्लड है सब में काम आता है भाई आईजीएसटी की हेल्प भी सब कर सकते हैं आईजीएसटी भी सबकी हेल्प करता है क्लियर भले वो सी जी हो एस जी हो आईजीएसटी कोई फर्क नहीं पड़ता पर सीओरएस आपस में काम नहीं आते बस ये समझ लीजिए आप बेटा क्लियर डन सरकार यहां तक बात समझे क्या मेरी आप है हाँ ना भाई क्लियर तो इंटरेस्टेड सेल करने पर आईजीएसटी लगता इसके लिए अलग से एक एक्ट और लेके आए जिसका नाम क्या है आईजीएसटी एक्ट

हम रोकेंगे फिर हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे सरकार बात को समझने की कोशिश करना मजा आने वाला सर आपको अभी जो कहानी बताई ना इसका कंक्लूजन एक शानदार वाला आने वाला है सरकार देखना ध्यान से दिल थाम के सुनिएगा, दिल थाम के समझिएगा बेटा फर्स्ट स्टेप अब वापस से पूरी स्टेज को मैं वापस लेके आ रहा हूं देखना ध्यान से जब महाराष्ट्र के मिस्टर भाई ने महाराष्ट्र के मिस्टर एक्स को गुड्स बेचा था तब सी जीएसटी और एस जीएसटी महाराष्ट्र एस जीएसटी लगाया होगा तब नाइन थाउजेंड रुपी सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया होगा नाइन थाउजेंड रुपी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को पे किया होगा बेटा हाँ ना भाई अब मिस्टर एक्स ने गुड्स महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में मिस्टर एम को बेची सर लाइब्रिडी अगेन सी जीएसटी और एस जीएसटी की आई सर अठारह हजार की लाइब्रिटी आई सीजीएसटी के लिए उसके लिए 9000 हजार का क्रेडिट आपने सी का यूज किया 9000 हजार आपने और पे किया तो समझना बात को ध्यान से सर फर्स्ट स्टेप पर मिस्टर वाई ने सीजीएसटी नौ हजार पे किया सेंट्रल गवर्नमेंट को ये मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट का अकाउंट है ये स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट है ठीक है भाई और ये बीच में जो है वो आईजीएसटी का अकाउंट है सीजीएसटी का अकाउंट एसजीएसटी का अकाउंट और

तो सर नाइन थाउजेंड ऑलरेडी इसमें था नाइन थाउजेंड और स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आ गया कितना अठारह हजार रुपये सर एस जीएसटी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट का अकाउंट ये है बेटा उसमें नौ हजार रुपये ऑलरेडी पहले एस जीएसटी का और पेमेंट किया बेटा हा है ना भाई क्लियर तो सर अब महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में कितना पैसा बेटा 18,000 सेंट्रल गवर्नमेंट के अकाउंट में सीजीएसटी अकाउंट में कितना पैसा बेटा 18,000 क्लियर अब गुड्स सर सुनना बात को ध्यान से महाराष्ट्र से निकल के कहा जा रहा है गुजरात जा रहा है दिल थाम के सुनने बेटा सर महाराष्ट्र से गुड्स निकल के कहा जा रहा है बेटा गुजरात जा रहा है सर ये इंटरेस्टेड सेल हुआ है उस पर क्या लग रहा है आईजीएसटी आईजीएसटी की लाइब्रेरी कितनी है फिफ्टी फोर थाउजेंड की है सर फिफ्टी फोर थाउजेंड की लाइब्रेरी को पे करने के लिए आपने क्या किया सर अठारह हजार के सी के आईटीसी को यूज किया अब सुनना अल्टीमेटली फिफ्टी फोर थाउजेंड आईजीएसटी अकाउंट में पहुंचना चाहिए अल्टीमेटली 54,000 आईजीएसटी अकाउंट में पहुंचना चाहिए हमने क्या किया 18,000 का सीजीएसटी का आईटीसी यूज किया 18,000 का एसजीएसटी महाराष्ट्र एसजीएसटी का आईटीसी यूज किया और बैलेंस 18,000 और पे किया क्लियर अब सुनना तो पता है आईजीएसटी अकाउंट वाला सेंट्रल गवर्नमेंट से क्या बोलेगा ओ सेंट्रल गवर्नमेंट आपका अठारह का क्रेडिट हमारी आईजीएसटी की लाइबिटी को पे करने में काम आया पैसा दो तो उतना अमाउंट सी जी के अकाउंट से निकाल के आईजीएसटी के अकाउंट में डालेंगे तो जितना क्रेडिट सी जीएसटी का काम आया किसमें आई जीएसटी में उतना सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी अपने सी जीएसटी अकाउंट से निकाल के आई जी अकाउंट में फंड ट्रांसफर करेगी महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को बोलेंगे ओ महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट तुम्हारे अकाउंट में अठारह अच्छा पड़ा था ना बोले हाँ आया था हमारे पास वो क्रेडिट काम आ गया आई जीएसटी की लाइब्रिटी को पे करने में अब साहब आपका वो पैसा एस जीएसटी अकाउंट महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट को बोलेंगे अठारह निकालो और कहा डालो

रिमेनिंग अठारह हजार हमने और पे कर दिया मतलब फिफ्टी फोर थाउजेंड तो ऑलरेडी पे किया हुआ था हमने सर एक तरह से एडवांस टैक्स जिसका हम नाइन से लिया और रिमेनिंग अठारह हजार और पे कर दिया तो अब आईजीएसटी अकाउंट में फंड कितना है सेवेंटी टू थाउजेंड गुड्स का पहुंच गया राजस्थान गुड्स का पहुंच गया राजस्थान आईजीएसटी अकाउंट में पैसा कितना है सेवेंटी टू थाउजेंड सीजीएसटी में कितना है जीरो एसजीएसटी में कितना है जीरो अब गुड्स राजस्थान के आर ने गुड्स बेच दिया किसको राजस्थान के मिस्टर जे को <coughs> राजस्थान के मिस्टर आर ने गुड्स बेचा राजस्थान के ही मिस्टर जे को वो इंट्रास्टेट सप्लाई था इंट्रास्टेट था तो क्या लगा सी और राजस्थान का एसजीएसटी ये एस कौन सा है राजस्थान वाला एसजीएसटी बेटा राजस्थान के राजस्थान में हुआ बेटा क्लियर अब सरकार लाइविटी थी किसकी सी की फोर्टी फाइव थाउजेंड की एस की फोर्टी फाइव थाउजेंड की

अब सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी ओ आईजीएसटी फोर्टी फाइव थाउजेंड दीजिए फटाफट तो फोर्टी फाइव थाउजेंड आई जीएसटी अकाउंट से निकल के सेंट्रल गवर्नमेंट के सीजीएसटी अकाउंट में फंड जाएगा तो सर आप मुझे बताओ सर सेवेंटी टू थाउजेंड का फंड था आईजीएसटी अकाउंट में उसमें से फोर्टी फाइव थाउजेंड फंड चला गया हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट ये गवर्नमेंट एक्चुअली अकाउंट में फंड ट्रांसफर करती है बेटा एक्चुअली होता है होता ही है अकाउंट सेटलमेंट इस तरह से होता है गवर्नमेंट का क्लियर फोर्टी फाइव थाउजेंड आ गया कहा सी जीएसटी के पास अब साहब रिमेनिंग फोर्टी फाइव थाउजेंड की बची है एस जीएसटी की राजस्थान एसजीस टी की लाइब्रेड फोर्टी फाइव थाउजेंड की और उसको पे करने के लिए सत्ताईस हजार का ट्वेंटी सेवन थाउजेंड का आईजीएसटी का आई टीसी यूज किया मिस्टर आर ने तो सर बैलेंस एटीन थाउजेंड पे किया अब सुनना बेटा ध्यान से तो सर राजस्थान एस जी एस टी राजस्थान गवर्नमेंट आई जी एस टी वालों को बोले ओ भाई साहब आपका 70, आपका ट्वेंटी सेवन थाउजेंड का आईटीसी हमारी लाइब्रेड को पे करने में काम आया मतलब यहां से फंड निकालो और राजस्थान HGST को दो यस से एस जी एस टी को दो एसजीएसटी अकाउंट में और सर अठारह अच्छा हजार का हमने ऑलरेडी पेमेंट एस जी एस टी राजस्थान एसजीएसटी में किया पेमेंट बेटा किसने मिस्टर आर ने बेटा तो अठारह अच्छा तो हमने पेमेंट कर दिया सर सत्ताईस का आईटीसी का अमाउंट वहां से आईजीएसटी अकाउंट से सी से राजस्थान एस के अकाउंट में आ जाएगा बेटा क्लियर तो राजस्थान का में पैसा कितना कहां पर सी जी एस टी के अकाउंट में सेवेंटी टू में से ट्वेंटी सेवन चला गया कहां जी एस टीकाउंट सॉरी एस के अकाउंट में बेटा राजस्थान एस में मतलब आईजीएसटी अकाउंट में फंड खत्म क्लियर और सर फंड अभी का है बेटा प्रेजेंटली के अकाउंट में और फोर्टी फाइव थाउजेंड राजस्थान है जीएसटी के अकाउंट में अब मान लो ये जो मिस्टर जे था ये सपोज एंड कंज्यूमर है अरे कौन है मालिक एंड कंज्यूमर इसने गुड्स कंज्यूम करी बात खत्म इसने अपने गुड्स ये जो गुड्स यूज करिए अपने घर के लिए यूज करिए पर्सनल यूज में यूज करी बेटा बस खत्म अभी आगे कोई सेल करेगा नहीं तो इसको क्रेडिट मिलेगी नहीं बेटा कोई क्रेडिट की बात नहीं आएगी बेटा मतलब कहा नहीं बेटा अब आप मुझे बताओ अल्टीमेटली फंड अल्टीमेटली टैक्सेज एंड कंज्यूमर जो मिस्टर जे है उसने बोन किए पर अल्टीमेटली टैक्स की रेवेन्यू गई किसके पास 50% परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 50% परसेंट स्टेट गवर्नमेंट के पास पर मेरा पॉइंट ये है कि ठीक है 50% परसेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के पास गया ओके okay. पर 50% परसेंट कौन सी गवर्नमेंट के पास गया कौन सी स्टेट गवर्नमेंट के पास गया राजस्थान एस जीएसटी के पास गया सर मतलब वो फर्दर सेल नहीं हुआ जे ने गुड्स एंड कंज्यूमर था उसने कंज्यूम करी मतलब रेवेन्यू किसके पास पहुंच गया सर नो डाउट जीएसटी का 50 परसेंट सेंट्र गवर्नमेंट पास जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही गवर्नमेंट है ना सर पर स्टेट गवर्नमेंट कितने सर गुजरात है महाराष्ट्र है राजस्थान है पर सर अल्टीमेटली रेवेन्यू किसको मिला राजस्थान गवर्नमेंट को मिला क्लियर मतलब गुड्स बना कहां पर महाराष्ट्र में बन के कहां सेल हुआ पहले महाराष्ट्र में सेल हुआ फिर महाराष्ट्र से निकल के गुजरात आया गुजरात से निकल के राजस्थान आया और अल्टीमेटली गुड्स राजस्थान में कंज्यूम हुआ अल्टीमेटली रेवेन्यू ऑफ एसडीएसटी भी किसको मिला राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को मिला मतलब गुड्स बनाया किसने महाराष्ट्र ने सर गुड्स बनके बिका का, का। महाराष्ट्र से महाराष्ट्र महाराष्ट्र से गुजरात गुजरात से अल्टीमेटली राजस्थान सर रेवेन्यू किसको मिल गया राजस्थान को बनाया किसने बेचा किसने मतलब नहीं अल्टीमेटली गुड्स कंज्यूम का हुआ है सर राजस्थान में हुआ तो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा राजस्थान जीएसटी को राजस्थान स्टेट गवर्नमेंट को टैक्स मिलेगा इसीलिए जीएसटी को बोलते हैं डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स माहौल अल्टीमेटली गुड्स का डेस्टिनेशन क्या था बेटा राजस्थान तो टैक्स का रेवेन्यू किसको मिलेगा राजस्थान को अल्टीमेटली गुड्स कंज्यूम का हुआ है राजस्थान तो सर और कौन सी स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा राजस्थान क्लियर गुड्स बना कहां मतलब नहीं है गुड्स कहां से बन के कहां से सेल होकर आया है मतलब नहीं अल्टीमेटली कंज्यूम का हुआ है? राजस्थान इसलिए जीएसटी इज कॉल्ड डेस्टिनेशन बेस्ड जन टैक्स जिस स्टेट में कंज्यूम होगा गुड्स जिस स्टेट में सर्विसेज कंज्यूम होगी सर्विस का डेस्टिनेशन होगा उसट ग्यू मिलेगा फिफ्टी परसेंट गिर कहीं भी कंज्यूमर रिमेनिंग फिफ्टी परसेंट कौन सा स्टेट गवर्मेंट मिलेगा सर वो हमने सीखा आई होप आपका समझ में आया माहौल जबरदस्त शानदार बेटा बताए किस्मत बदलते वक्त नहीं लगता जीएसटी आने से पहले इंटर स्टेट सेल्प लगता था सी और पता है सीएसटी का क्रेडिट नहीं मिलता था तो जिस स्टेट से गुड्स बन के बाहर निकल रहा है वहां पे सीएसटी जो लगता था वो उसी स्टेट के अंदर रह जाता था रेवेन्यू बेटा मतलब पहले बिफोर जीएसटी जो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट्स थे जो मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट्स थे उनको रेवेन्यू ज्यादा मिलता था उनको पैसा ज्यादा मिलता था, क्योंकि जैसे ही उनकी स्टेट से गुड्स बाहर निकलेगा सीएसटी लगेगा और सीएसटी का क्रेडिट किसको भी नहीं मिलेगा तो उसका रेवेन्यू रेवेन्यू उसी स्टेट गवर्नमेंट के पास रह जाता था जिसने गुड्स बनाया है पर जीएसटी के आने के बाद किस्मत बदल गई वक्त बदल गया माहौल चेंज हो गया और सर पहले मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट्स मतलब जहां पे फैक्ट्रीज बहुत ज्यादा होती थी उनको जीएसटी आने के उनको वेट लॉस में सीएसटी लो में फायदा ज्यादा था रेवेन्यू वाइज़ रेवेन्यू वाइज और जीएसटी आने के बाद किस्मत बदल गई जीएसटी आने के बाद जो अल्टीमेटली कंज्यूमर बेस्ड स्टेट्स है जहां पर कंज्यूमर ज्यादा है सर उनको रेवेन्यू ज्यादा मिलने लग गया सर तो बताए जब जीएसटी नया नया आ रहा था बात चल रही थी गवर्नमेंट के बीच में कि जीएसटी लाए कि नहीं लाए डिस्कशन कर नहीं हम तो हमारे स्टेट में वेट और सीएसटी रखेंगे हमको जीएसटी नहीं चाहिए हम लॉस क्यों बेयर करें वन नेशन वन टैक्स देश का भला होगा ठीक है हमारा नुकसान करके देश का भला हम क्यों करें भाई लोग तो सब तरह तो के होते ना कहने वाले <laughs> तो मैन्युफैक्चर बेस्ड स्टेट्स मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड स्टेट्स बोलते नहीं नहीं हम जीएसटी एक्सेप्ट नहीं करते वाह भाई हमको क्यों नुकसान हो देश आगे बढ़े हमारा स्टेट पीछे रह जाए क्यों या तो हमको कंपनसेट करो या हमारे पुराने लॉ जो है वो ठीक है साहब वन नेशन वन टैक्स गया तो पता है क्या किया सेंट्रल गवर्नमेंट बोला अरे चिंता ना करें अगर गवर्नमेंट ने एक एक्ट अलग से बनाया और बोला क्या चिंता ना करे <coughs> अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट को अगर जीएसटी नहीं आता और वेट ही चलता वेट सीएसटी तो उसका जो रेवेन्यू होता उसको कंपेयर करेंगे एस जीएसटी की उसकी साल भर की रेवेन्यू से अगर उसको कोई लॉस हुआ होगा मतलब अगर वेट या सी होता तो उसकी रेवेन्यू इतनी होती और अगर जीएसटी आने के बाद उसको अगर लॉस हुआ है तो जितना लॉस हुआ उस स्टेट गवर्नमेंट को उतना फंड कंपनसेशन दिया जाएगा उतना फंड दिया जाएगा पर तुम चिंता मत करो हम हैं आपके साथ स्टेट गवर्नमेंट ने एक बार ताली बजा दी मजा आ गया मजा आ गया पर फिर एकदम ध्यान आया भाई कंपन करोगे तो पैसा ला, से लाओगे दोगे कहां से दोगे जिन स्टेट को फायदा हो उनसे निकाल के दोगे तो जिन स्टेट को फायदा हो वो बोलेंगे हम क्यों देंगे हमारा पैसा हमारा पैसा हमारे पास रहेगा तो गवर्नमेंट स्कीम लगाई दिमाग लगाया गवर्नमेंट कोई बात नहीं चिंता ना करो हम कुछ स्पेसिफाइड गुड्स पे एक एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाएंगे जिसका नाम होगा क्या जीएसटी कंपनसेशन सेस क्या नाम होगा बेटा जीएसटी कंपनसेशन सेस नाम का एक टैक्स और लगाया कुछ स्पेसिफाइड गुड्स पर जैसे आप खाते हो ना ये तंबाकू सिगरेट पीते हो ना मोटर कार्स इन कुछ गुड्स पर गवर्नमेंट ने एक, एक एक्स्ट्रा टैक्स लगाया जिसका नाम क्या था जीएसटी कंपनसेशन सेस इन गुड्स पे तो लगते है, लगते है। के अलावा अलग फंड बनाया जाएगा ये फंड यूज करेंगे उन सारी स्टेट गवर्नमेंट को कंपनसेट करने के लिए जिनको जीएसटी आने की वजह से उनकी स्टेट गवर्नमेंट की रेवेन्यू अगर कम हुई है एज कंपेयर टू वेट या सीएसटी तो उतना कंपनसेशन उस फंड से देंगे मतलब जो लोग

क्लियर और वहां फिर सारे स्टेट गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया और बोला कि आने दो जीएसटी सर मजा आएगा आने दो जीएसटी और सर जीएसटी इंट्रोड्यूस हो गया फर्स्ट जुलाई टू थाउजेंड सेवनटीन से अब ये इंट्रोड्यूस जो हुआ है वन नेशन वन टैक्स पता है कितने सारे एक्ट बन गए इस चक्कर में देखिए ध्यान से <coughs> सर पूरे देश में सी नाम का एक एक्ट है एक बेटा क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट तो एक ही नहीं इंडिया के अंदर बेटा सर एस जीएसटी एक्ट सीजीएसटी एक्ट एक एक्ट बना हुआ बेटा अब सर एसजीएसटी हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना अपना एक्ट अलग है क्योंकि हर स्टेट गवर्नमेंट को अपने अपने स्टेट लेजिस्लेटर में इसको पास करना पड़ेगा, पड़ेगाटिव असेंबली में पास करना पड़ेगा सर क्योंकि हर वो स्टेट गवर्नमेंट टैक्स लगा रही बेटा एक तरह से क्लियर तो सर हर स्टेट का अपना अपना एसजीएसटी एक्ट अलग है भले वो सेम है बेटा पर अलग है चलो कितने स्टेट से देश के अंदर बेटा बता बताना एक बार ओ भाई ट्वेंटी एट ट्वेंटी एट स्टेट से ट्वेंटी एट एसजीएसटी हर स्टेट का अलग अलग पास हुआ हुआ है सब प्लस पता है जितनी यूनियन टेरिटरीज है उनके लिए एक अलग से एक्ट बना हुआ है यूटी जीएसटी एक्ट नाम क्या बेटा यूटी जीएसटी एक्ट यूनियन टेरिटरी जीएसटी एक्ट एक बनाया हुआ है यूनियन टेरिटरीज में अगर आपने सेल किया बेटा जैसे मान लो दमन दीव उस यूनियन टेरिटरी में आप हो बेटा वहां पे कोई इंट्रा स्टेट सेल किया बेटा तो वहां पे सी जीएसटी और यूटी जीएसटी लगेगा दैट इज नॉट द स्टेट गवर्नमेंट वो यूनियन टेरिटरी बेटा तो सी जीएसटी प्लस यूटी जीएसटी लगेगा सी जीएसटी रेवन्यू होगा सेंट्रल गवर्नमेंट का और यूटी जीएसटी यूनियन टेरेटरी के लिए वो फंड काम आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट मैनेज करती बेटा इसको यूनियन यूनियन गवर्नमेंट बेटा सेंट्रल गवर्नमेंट बेटा क्लियर वो यूटी जीएसटी का रेवेन्यू होगा रेव्यू बाएसटी एक्ट एक्ट बना सी जीएसटी एक्ट एक्ट बना कितने स्टेट ट्वेंटी एट ट्वेंटी पर तीन यूनियन टेरेटरीज ऐसी है कितनी थ्री दिल्ली पुडुचेरी जिसको पौंडीचेरी बोलते बेटा और जम्मू एंड कश्मीर ये तीन यूनियन टेरेटरीज ऐसी है जिनका खुद का अपना अपना स्टेट लेजिस्लेचर है जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी आपने सुना होगा बेटा क्लियर यूनियन टेरेटरी पर उसका खुद का अपना स्टेट लेजिस्लेचर है बेटा अपनी खुद की विधानसभा है इसलिए ये तीन यूनियन में में आई रिपीट नाम बुक में मिल जाएगा बेटा आपको दिल्ली पुडुचेरी एंड जम्मू एंड कश्मीर देखो जम्मू एंड कश्मीर हमारा था हमारा है हमारा रहेगा भारत माता की जय सर सुनना बात ध्यान से तो तीन यूनियन टेरेटरीज ऐसी जिनका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है इसलिए उन तीन यूनियन टेरिटरीज में भी अपना अपना एस जी एक्ट है तो टोटल थर्टी वन एस जी एस टी एक्ट है इंडिया के अंदर वन सी जी एस टी एक्ट है एक यूटी जीएसटी जो बाकी सारी यूनियन टेरिटरीज में अप्लाई होता है बेटा और अभी जैसे हमने बात करी इंटर स्टेट सप्लाई पे क्या लगता है बेटा आई जी एस टी तो एक्ट एक, एक पूरे इंडिया के लिए इंटर स्टेट सप्लाई के लिए एक आईजीएसटी एक्ट बनाया हुआ है और अभी अभी हमने बात करी क्या उन सारे स्टेट को कंपनसेशन देने के लिए जहां लॉस होगा जीएसटी की वजह से उनको एक सेस देने के लिए कंपनसेशन देने के लिए अलग से एक्ट बनाया क्योंकि ये टैक्स लगाना है मतलब एक्ट होना चाहिए बेटा एक्ट की अथॉरिटी होनी चाहिए बेटा तो एक एक्ट अलग से बना जिसका नाम क्या है जीएसटी ब्रैकेट में कंपनसेशन टू स्टेट्स एक्ट एक एक्ट अलग से बनाया सर ये सब 2017 में पास हुए इसलिए 2017 2017 2017, 2017 लिखा हुआ है क्लियर सारे एक्ट बने कब? 2017 ईयर में। सर, इसलिए क्या? ना 2017, GST लगाने के लिए अल्टीमेटली देखा जाए तो टोटल 35 एक्ट्स बन गए हा है ना भाई तो सर वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट का सपना पूरा करने के लिए सर 35 एक्ट बनाने पड़े पर हाँ चिंता ना करे अगर आपने ये एक सी जी एस टी एक्ट पढ़ लिया मतलब समझना बाकी सारे थर्टी वन एस जी एस टी एक्ट भी आपको आते हैं क्लियर हां आई जी एस टी एक्ट में इंटरसेट सप्लाई क्या होता है इंटरसेट सप्लाई क्या होता है उसको डिफाइन किया है वो भी हमारे सिलेबस में आता है पर इंटरमीडिएट लेवल बात करें तो आई जी एस टी एक्ट सेलेक्टेड पोर्शन ही आपके सिलेबस में आता है तो हम

और, लगेगा और उसमें भी लिख दिया सी जीएसटी के सारे जीएसटी में भी अगेन यूटी जीएसटी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है एस जीएसटी एक तो एब्सोल्युटली सेम है जो सी जीएसटी एक्ट बना हुआ बेटा सारे, के सारे, सेक्षन, सब, सेक्षन सारे पर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि सी जीएसटी पढ़ लिया मतलब आपको अच्छा आप इंट्राट पर इंटरसेट परचेस करो लगेगा जीएसटी पर परचेस में सीओरएस पे करो या आईजीएसटी पे करो सारा आईटीसी मिलने वाला है इसलिए आप मान लो मध्य प्रदेश में हो और आप गुड्स खरीदते हो कहां से गुजरात से या आप गुड्स खरीदते हो मध्य प्रदेश से मध्य प्रदेश में ही तो भी सेम भले सी ओर एस लगे टैक्स सीजीएसटी और एसजीएसटी या आईजीएसटी टैक्स लगे इंटरसेट परचेस करने पर लगेगा तो सेम रेट ऑफ टैक्स सी जीएसटी प्लस एसजीएसटी कर दो तो जो रेट आती है वो होती है आई जीएसटी की रेट क्लियर और दोनों का आपको आईटीसी मिलने वाला है आईजीएसटी आई जीटी आई आईटीसी मिलता है सीओरएस पे क्या आई तो आईटीसी मिलता है इसलिए पूरे हिंदुस्तान में से कहीं से भी गुड्स खरीदोगे तो टैक्सेशन की वजह से आपकी कॉस्टिंग में फर्क नहीं आएगा सर पर जीएसटी आने से पहले इंटर स्टेट परचेस करने पे सीएसटी लगता था सीएसटी सेंट्रल सेल्स टैक्स जिसका क्रेडिट नहीं मिलता था मान लो टू परसेंट सीएसटी लग गया एक करोड़ का मशीन अगर आपने दूसरे स्टेट से परचेज किया दो लाख रुपए सीएसटी पे करना पड़ता था एक करोड़ दो लाख का जो आपने परचेज आपने किया है दो लाख रुपए सीएसटी जो पे किया उसका कोई क्रेडिट नहीं मिलता था पूरा आपका कॉस्ट कितना था एक करोड़ दो लाख तो विद इन द स्टेट अगर करते वही मशीन तो उस पर वेट लगता और वेट का आपको पूरा क्रेडिट मिलता एक करोड़ का मशीन मान लो चार परसेंट वेट चार लाख रुपए वेट पे क्या उसका क्रेडिट मिल रहा है तो आप अगर इंटरेस्ट परचेस करते हो तो एक करोड़ दो लाख आपकी कॉस्ट आती इंटरेस्टेड परचेस करते तो एक लाख एक करोड़ रुपए ही आपकी कॉस्ट आती तो पहले जीएसटी आने से पहले सर आपको करना है कि परचेस करना है सोचना पड़ता था टैक्सेशन की वजह से पर जीएसटी आने के बाद पूरा देश एक ही मार्केट बन गया है क्योंकि आप इंटरस्टेट परचेस करो या इंटरस्टेट परचेस करो सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करो या आईजीएसटी पे करो आपको पूरा इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलने वाला है कोई टैक्सेशन की वजह से आपकी कॉस्टिंग नहीं बढ़ने वाली इसलिए जीएसटी को बोला गया वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट आया ना भाई क्लियर पर उसके लिए ये सारे एक्ट बने शायद मेरी बात आप तक पहुंच गई शायद आपको पॉइंट समझ में आ गया जीएसटी क्या है वन नेशन वन नेशन वन टेक समझ में आया बेटा आपको वन मार्केट भी शायद आपको समझ में

हमने अब तक पढ़ा था क्या दस का क्रेडिट क्यों मिला सर और ये दस का क्रेडिट का जो फंडा है ये शायद आपको आगे जीएसटी के अंदर आज बहुत भारी लेवल पे काम आ गया होगा सर प्लीज प्लीज सर हैव अ क्लिक ऑफ दी स्लाइड्स आज जो हमने पढ़ा है बहुत ही भारी पढ़ा है बहुत ही शानदार पढ़ा है जीएसटी के अंदर हम आ गए बेटा कल तक मैंने बेसिक जो चीज पढ़ाई थी उसको हम नेक्स्ट लेवल पे हम लेके आए जीएसटी इंट्रोड्यूस हो गया है बेटा अब हम नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे क्या जीएसटी के टेक्निकल प्रोविजन मैंने आपको आइडिया दिया कि कैसे जीएसटी आया है जीएसटी काउंसिल क्या होता है क्लियर किस तरह से एक्ट बना प्लीज हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड्स या इनको कॉपी कर लीजिए लेक्चर को पॉज करके बेटा पर प्लीज नोट करना बहुत जरूरी है बहुत काम के प्रोविजंस थे अभी आपको बुक से कुछ नहीं पढ़ना है मैं बताऊंगा आपको क्या क्या पढ़ना है कैसे पढ़ना है बेटा <coughs> हो गया भाई ये तो कल ही को भी कहता था तुमने चलिए यहां से मैंने शुरुआत करी थी प्लीज लेक्चर को पॉज करो या इसको कॉपी करो या फिर हैव अ क्लिक ऑफ दिस स्लाइड और अपने नोटबुक में इसको कॉपी करिए बेटा डन बहुत ही शानदार ये टेबल है सर ये जो हमने पढ़ा है बहुत ही भारी पढ़ा है सर मस्त मजा आया होगा सर आपको पता है ये पढ़ने के बाद आपको शायद अब आप जीएसटी में लग रहा होगा हां हमको बहुत कुछ आ गया बेटा बहुत कुछ आ भी गया सही में आ गया सर आपको पर 10 का क्रेडिट क्यों मिला अगर नहीं पढ़ा होता तो शायद ये पढ़ना समझना बहुत मुश्किल होता बेटा आपके लिए डन <coughs> देखिए ऐसे शुरुआत करी हमने ओके okay. डन, भारत जय मस्त होके पढ़िए खुश होकर पढ़िए सर हम शुरू करेंगे टेक्निकल पॉइंट्स कल से सरकार यहां तक आपके एंड पे होना चाहिए ये आपके एंड पे रिवीजन होना चाहिए तो मजा आएगा क्योंकि सर पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया और इंडिया कम आपके हाथ में आने वाली है सर सर मस्त होकर पढ़े खुश होकर पढ़िए 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 प्रैक्टिकली इमेजिन करके इज वेरी मच इंपॉर्टेंट सर एंड हम सारे टॉपिक को ऐसे ही कॉन्सेप्टी प्रैक्टिकली विद एग्जाम्पल पढ़ेंगे मजा आएगा आप सीखिए सीखने के लिए पढ़िए सर सर कोर्स पूरा करने के लिए मत पढ़िए कोर्स अपने आप पूरा हो जाएगा वो मेरे पे छोड़ दीजिए बेटा आप अब मस्त होकर पढ़िए ऑल दी बेस्ट लव यू लॉट इसको रिवाइज जरूर करिएगा जो मैंने अब तक पढ़ा है आपको माहौल